So hello people, this is the channel CATV, and in this video we are going to revise the topic and we are going to further continue with the topic meetings of boards and its powers. हमने जो है 179 के पहले तक के सारे जो प्रोविजन थे एंड इनके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन थे हमने सारे कर लिए थे राइट एंड अब हम जो है पावर्स ऑफ बोर्ड पढ़ने वाले हैं. ठीक है, पावर्स ऑफ बोर्ड इतना रेलेवेंट नहीं है सेक्शन, बट फिर भी इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन आए गए हैं. ठीक है, चलो वो भी देख लेंगे. स्टार्ट करते हैं 179 पावर ऑफ बोर्ड से. तो जनरल पावर क्या है कि वॉट एवर कंपनी इज ऑथोराइज बोर्ड इज ऑथोराइज. जो कंपनी कर सकता है वो बोर्ड कर सकता है. ठीक है, फॉर ऑल सच एक्ट बोर्ड इज कस्टोडियन. तो फॉर ऑल द एक्ट बोर्ड इज कस्टोडियन. तो बोर्ड के पास ऑथराइजेशन है कि वो सारे एक्ट कर सकता है. अब ये क्यों पढ़ा अपन ने, वो इसलिए क्योंकि बोर्ड के पावर्स हम पढ़ रहे हैं. तो कंपनी जो भी कर सकता है वो बोर्ड कर सकता है. ठीक है, तो बोर्ड के रिस्पेक्ट में कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें हैं कि बोर्ड एजेंट हो सकते एजेंट है, कोई मेंबर नहीं है, एंड मेंबर रिजोल्यूशन से बोर्ड को सुपरसीड नहीं कर सकता. ठीक है, ये तो चलो ठीक है, मेंबर जो है रिजोल्यूशन से बोर्ड के एक्ट को सुपरसीड नहीं कर सकता. मेंबर कांट बाय रिजोल्यूशन सुपरसीड बोर्ड पावर. शेयर होल्डर कैन नॉट सुपरसीड बोर्ड पावर. इनफैक्ट ये शेयर होल्डर पर भी एप्लीकेबल होता है. ठीक है, और शेयर होल्डर इनफैक्ट कांट इंस्ट्रक्ट, वो इंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते बोर्ड को कि कैसे करना चाहिए पावर बोर्ड के एक्सरसाइज, बोर्ड की पावर को एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस केस में भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं जाते. अनलेस अगर मैलाफाइड इंटेंशन है ऑफ बोर्ड, तो अगर बोर्ड का मैलाफाइड इंटेंशन है तो फिर तो बात ही खत्म है. और इनकॉम्पिटेंट, ठीक है, कि अगर इनकॉम्पिटेंट है तो अगर जो है मैलाफाइड इंटेंशन है बोर्ड का, या तो अगर कभी बोर्ड ही इनकॉम्पिटेंट है, डेडलॉक इन सीरियस कॉन्फ्लिक्ट, तो मैलाफाइड इंटेंशन है, डेडलॉक है, इनकॉम्पिटेंसी है, तो उस सिचुएशन में जो है शेयर होल्डर यू इंस्ट्रक्ट कर सकता है. रेटिफिकेशन की बात करें तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसको काट भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में कोई से क्वेश्चन आएंगे नहीं. अब पावर जो समझने की बात, जो पावर एक्सरसाइजेबल है, पावर ऑफ द बोर्ड जो एक्सरसाइजेबल है, ये सिर्फ बोर्ड मीटिंग ओनली लिखा हुआ है, मतलब ये बोर्ड मीटिंग के पावर है, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं कवर है. मतलब कि ये पावर जो है वो बोर्ड मीटिंग में ही आपको एक्सरसाइज होंगे, बोर्ड मीटिंग होगी तभी एक्सरसाइज होंगे. जैसे कि पावर ऑफ मेकिंग कॉल, आप कॉल मंगवा सकते हो, ऑथराइज बायबैक, आपने शेयर जो इशू करे हो उसको बायबैक करवा सकते हो, सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स. ठीक है, आर्टिकल्स में वो दिया होना चाहिए बायबैक के रिस्पेक्ट में, साथ ही साथ जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो. और अगर इनकेस स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं होता है, तो अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ तो भी जो है आप बायबैक तो कर सकते हो, अप टू 10% ऑफ पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व. ठीक है, प्लस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो. तो आप कॉल मंगवा लो, ठीक है, आप मेकिंग कॉल्स, आपने कॉल मंगवा लिए, आपने जो शेयर इशू करा था उसको बायबैक कर लिए. ठीक, इशू सिक्योरिटी एनीवेयर, सिक्योरिटीज़ पावर एक्सरसाइजेबल में इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ एनीवेयर. आप सिक्योरिटी इशूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए बोर्ड की पावर है कि अगर बोर्ड को सिक्योरिटी इशू करनी है तो इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग डिवेंचर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, अगर इशू करना है सिक्योरिटीज़ तो ठीक है, बोर्ड से पावर ले, बोर्ड के पास पावर है कि वो बोर्ड मीटिंग में ऑथराइज कर सकता है. फिर इम्पॉर्टेंट ये है कि बोरो मनी, इन्वेस्ट फंड एंड ग्रांट लोन. तो बिग बोरो, इन्वेस्ट एंड ग्रांट, तो लेना, बोरो मनी, इन्वेस्ट फंड, मतलब इन्वेस्ट फंड और ग्रांट लोन, गारंटी सिक्योरिटी. तो लोन, गारंटी सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, ये बोरो मनी. अब ये जो सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये सेक्शन 8 वाली कंपनी में, ठीक है, सेक्शन 8 वाली कंपनी में समझो, तो सेक्शन 8 में रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से भी हो सकता है. इनफैक्ट जो है ये डेलीगेट भी हो सकता है. देखो सेक्शन 8 कंपनी इस रिस्पेक्ट में अगर कुछ कर रही है कि बोरो फंड, इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, ये ग्रांटिंग लोन, गारंटी सिक्योरिटी, तो सेक्शन 8 में जो है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से भी हो सकता है. वेयर एज इट कैन बी डेलीगेटेड टू, इसको डेलीगेट भी कर सकते हैं बोर्ड, ये जो पर्टिकुलर पावर है उसको डेलीगेट भी कर सकती है. ठीक है, अब जो डेलीगेट करेगी तो ऑब्वियसली बात है बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन तो जो है पास हो गए ही अगर डेलीगेट करना हो तो. ठीक है, तो राइट, बोर्ड मीटिंग में जो है बोर्ड रिजोल्यूशन भी पास होगा अगर इसको डेलीगेट करना है तो. राइट, डेलीगेशन की बात करें तो डेलीगेट किसको कर सकते हैं, तो PCM, प्रिंसिपल ऑफिसर, कमिटी ऑफ डायरेक्टर एंड MD मैनेजर. तो क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफिसर, कमिटी ऑफ डायरेक्टर, MD मैनेजर. तो प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ कंपनी या प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच ऑफिस, ये जो इधर लिख के रखा है प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी एंड प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच ऑफिस, तो डेलीगेट जो है ब्रांच ऑफिस को, उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको ब्रांच के रिस्पेक्ट में लोन बोरो करना है या ब्रांच के रिस्पेक्ट में डिसीजंस लेने हो
तो ऐसे केस में आप ब्रांच ऑफिसर को जो है डेलीगेट कर सकते हो, फिर सी से कमिटी ऑफ डायरेक्टर, और डी से एमडी, एम से एमडी मैनेजर हु मैनेज द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी एंड ऑथराइज टू साइन दी पेपर्स। ठीक है, अभी जो इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी है, इन्वेस्टमेंट और ग्रांटिंग ऑफ लोन गारंटी सिक्योरिटी है, इस पर तो इवन जो है 186 भी ओवररूल कर देता है 179 सबसेक्शन 3 से। ओके, तो देखो अभी 179 क्या बोलता है कि ये तीनों चीज़ें आप डेलीगेट कर सकते हो, पर इधर इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ये इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस में 186 ओवरराइड कर जाता है, एंड 186 ओवरराइड करता है सेक्शन 179 से, एंड अकॉर्डिंगली वेयर 186 इज अट्रैक्टेड पावर टू लोन और टू मेक लोन गिविंग गारंटी प्रोवाइड सिक्योरिटी मेकिंग इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी डेलीगेटेड। तो ऐसे केस में तो फिर आप डेलीगेट भी नहीं कर सकते, मतलब कि ये तो आप नहीं डेलीगेट कर सकते, 186 ओवरराइड कर देता है, पर जब आप मनी बोरो कर रहे हो तो मनी बोरो वाले केस को तो आप डेलीगेट कर सकते हो, राइट। चलो, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, ये सब बोर्ड मीटिंग के पावर्स हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस, अप्रूवल ऑफ एमलगमेशन मर्जर रिकंस्ट्रक्शन टेक ओवर ऑफ कंपनी एक्वायरिंग स्टेक इन अनदर कंपनी। ठीक है, फिर इम्पॉर्टेंट जैसे कि रूल 8 के अंदर बोल के रखा है कि पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है, स्टैचुटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है, KMP का अपॉइंटमेंट है। तो इम्पॉर्टेंट है कि स्किप ऐसे स्टैचुटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, जैसे KMP और ऐसे इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, NP से पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये सब चीज़ें जो है वो रूल 8 में कवर है, ये पावर्स दे के रखी है। साथ ही साथ ये जो हमने बात करी, जब आप डेलीगेट करते हो प्रिंसिपल ऑफिसर को, कमिटी ऑफ डायरेक्टर को या एमडी मैनेजर को, तो ऐसे केस में जो है रिजोल्यूशन में स्पेसिफाई, तो रिजोल्यूशन में स्पेसिफाई क्या स्पेसिफाई करना चाहिए, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी वन टाइम अप टू विच कैन बी बोरो। ठीक है, तो अब जब बोरोइंग ऑफ मनी आपने डेलीगेट कर दिया, तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम अप टू विच कैन बी बोरोड, तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग किसी भी टाइम, देखो अप टू विच अमाउंट कैन बी बोरोड, तो ये जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम अप टू विच अमाउंट कैन बी बोरोड, तो आपने एक अमाउंट बता दिया कि अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम कितना मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में, क्या इन्वेस्टमेंट आप डेलीगेट कर सकते हो, तो नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, फंड कैन बी इन्वेस्टेड, तो फंड जो है किधर इन्वेस्ट हो सकते हैं, फंड किधर इन्वेस्ट होंगे, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपको रिजोल्यूशन में बताना पड़ेगा कि आप बोरो कर रहे हो तो कितना अमाउंट आप मैक्सिमम बोरो कर सकते हो, पहला। फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कितना अमाउंट जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो कितना अमाउंट आप बोरो कर सकते हो, ये हो गया हमारा। दूसरा हो गया कि कितना अमाउंट आप मैक्स टू मैक्स इन्वेस्ट कर सकते हो, इनफैक्ट मैक्सिमम लोन गारंटी सिक्योरिटी में ही प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ लोन गारंटी सिक्योरिटी, ठीक है, मैक्सिमम लोन गारंटी सिक्योरिटी जो आप दे सकते हो। तो इस तरीके से जो है पावर एक्सरसाइजेबल हमने देखा, और हमने 179 पूरा पढ़ा। ठीक है, डेलीगेशन इंपॉर्टेंट ये है कि डेलीगेशन कर सकता है DEF का, और डेलीगेशन कर सकते हैं तो सेक्शन 8, ठीक है, डेलीगेशन कर लिया हमने DEF का, साथ ही साथ जो है सेक्शन 8 पे RBC बिल लगता है। ठीक है, ओके, सो सेक्शन 180 रिस्ट्रिक्शन ऑन बोर्ड पावर। अब सेक्शन 180 की बात करते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन बोर्ड पावर कि अब ये रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, 180 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एक्सरसाइज पावर ऑनली विद द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग, मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन तब जब पास होगा तभी आप जो है पावर एक्सरसाइज कर सकते हो। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन बोर्ड पावर, ये प्राइवेट कंपनी मतलब कि जो अच्छी, जिसने कोई डिफॉल्ट नहीं करा हो इन फाइलिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 137 और 92, उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। पर समझो, ये रिस्ट्रिक्शन ऑन बोर्ड पावर का मतलब ये है कि बोर्ड ये पावर जो है एक्सरसाइज तभी कर सकती है जब जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो इसके रिस्पेक्ट। अब सबसे पहले छोटी मोटी चीज़ें हैं कि चार तरीके के पावर पे रिस्ट्रिक्शन है, सेल, लीज, डिस्पोज। सेल करना, ठीक है, असेट को सेल करना, असेट को लीज पे दे देना या असेट को डिस्पोज कर देना, होल या सब्सटैंशली द होल, किसको, अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, द होल या सब्सटैंशली द होल अंडरटेकिंग ऑफ अ कंपनी। सब्सटैंशली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग मतलब सब्सटैंशली द होल का मतलब होता है टोटल अंडरटेकिंग का 20 या उससे ज़्यादा परसेंट, अगर आप सेल कर रहे हो, लीज कर रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप सेल, लीज या डिस्पोज कर रहे हो, होल या सब्सटैंशली द होल अंडरटेकिंग ऑफ अ कंपनी, ठीक है, तो होल या सब्सटैंशली द होल द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। अब सब्सटैंशली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, तो सब्सटैंशली होल का मतलब होता है
कि 20% ऑफ टोटल अंडरटेकिंग, अगर आप इसको सेल डीज और डिस्पोज कर रहे हो लग जाएगा। अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो अंडरटेकिंग का मतलब समझो। अंडरटेकिंग का मतलब है कि कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट ठीक है उसके नेटवर्क का मोर देन 20% किसी एक एंटिटी में है, तो कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट नेटवर्क का मोर देन 20% है, तो ऐसी अंडरटेकिंग जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है मोर देन 20% ऑफ नेटवर्क है, या तो अपन बोल सकते हैं दूसरा कि ऐसी एंटिटी जिससे कंपनी को इनकम होती है ऑफ मोर देन 20%, तो टोटल इनकम का मोर देन 20% जिस भी अंडरटेकिंग से होता है या कंपनी के इन्वेस्टमेंट का मोर देन 20% जो है इधर है, तो अंडरटेकिंग इन विच द इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी इज मोर देन 20% ऑफ नेटवर्क। अब रही बात करें नेटवर्क की, तो नेटवर्क की बात करें तो हम समझे नेटवर्क में है पेड अप कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। सी नेटवर्क की बात इसलिए करी है क्योंकि हम अंडरटेकिंग के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं और अंडरटेकिंग नेटवर्क से भी डिफाइन होती। देखो नेटवर्क में पेड अप कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व, तो पेड अप कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट माइनस लॉस एक्सपेंडिचर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ जो नहीं हुए हैं डेफर्ड एक्सपेंडिचर, तो पेड अप कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व ठीक है। तो देखो नेटवर्क की बात करें तो पेड अप कैपिटल है, सारे रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी आप ऐड कर लेना, माइनस लॉस एक्सपेंडिचर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ डेफर्ड एक्सपेंडिचर, ये सारे जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है वो हटा दो एंड डज नॉट इंक्लूड नेटवर्क में, इसको इंक्लूड ही मत करना रिवैल्यूएशन रिजर्व को, मतलब कि सारे रिजर्व को लेना इसको तो लेना ही मत, और जो एक्सपेंडिचर राइट ऑफ हो चुके हैं ठीक है, तो राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन ये सब चीज़ें जो राइट बैक हो चुके हैं वो नहीं लेना है, तो डज नॉट इंक्लूड रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड जो राइट ऑफ ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमलगमेशन ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं लेना है और ये सब चीज़ें हमको लेने की है। ये हमने पढ़ा अंडरटेकिंग के रिस्पेक्ट में और हमने नेटवर्क के रिस्पेक्ट में। अब आती बात, हमने सेल लीज और डिस्पोज के बारे में बात कर ली कि सेल लीज और डिस्पोज नहीं कर सकते होल या सब्सटेंशियली द होल अगर कर रहे हो ठीक है, अगर बोर्ड को इस रिस्पेक्ट में अगर एक्सरसाइज करनी पावर तो उसको जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनसेशन एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, तो मर्जर एंड एक्विजिशन से जो रिसिप्ट आती है ठीक है वो इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनसेशन ठीक है, ये चीज़ें इधर कवर है। फिर मनी ऑलरेडी बोरो और मनी टू बी बोरो, मतलब बोरोइंग अगर मोर देन पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर बोरोइंग पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम से ज़्यादा है ठीक है, तो ऐसे केस में जो है स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। तो पहला अपन ने पढ़ा सेल लीज एंड डिस्पोज ऑफ अंडरटेकिंग या होल ऑफ द सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनसेशन एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनसेशन एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर एक्विजिशन एंड मनी ऑलरेडी बोरो और मनी टू बी बोरो इज मोर देन पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम ठीक है। अब इधर बोरोइंग कवर है, समझो इधर बोरोइंग कवर है ऑलरेडी बोरो और टू बी बोरो, पुराने जो बोरोइंग है और साथ ही साथ जो नए टू बी बोरो है ठीक है, तो इसमें फ्री रिजर्व का ध्यान रखना, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसमें डिपॉजिट तो नहीं लेते, पहले तो आप पैसे ले रहे हो तो इसमें डिपॉजिट नहीं लेते ठीक है, डिपॉजिट नहीं लेते फॉर बैंकिंग कंपनी, जैसे कि बैंकिंग कंपनी जो डिपॉजिट्स है ठीक है बैंकिंग कंपनी में हो रहे तो वो इधर कवर नहीं है, बोरिंग में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों कवर है। अब पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व का मतलब क्या, फ्री रिजर्व में अनरियलाइज गेन नोशनल गेन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट चेंजिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी सरप्लस एंड डेफिशिएंसी ड्यू टू चेंज इन द फेयर वैल्यू, ये सब नहीं कवर है ठीक है, मतलब नोशनल चीज़ें नहीं कवर है जैसे रिवैल्यूएशन ऑफ गेन चेंजिंग कैरिंग अमाउंट, ये सब चीज़ें कवर नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है समझने की कि जनरल पॉइंट जैसे कि अमाउंट बोरो और टू बी बोरो, इसमें कुछ जनरल पॉइंट ये है कि जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन में स्टिपुलेट करो कंडीशन कि जो आप अमाउंट बोरो कर रहे हो टू बी बोरो कर रहे हो इसका यूज़ किधर रहेगा, तो यूज़ ऑफ फंड ठीक है एंड डिस्पोजल एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सेल प्रोसीड्स, सबसे पहले तो यूज़ ऑफ फंड किधर है, ये तो इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनसेशन के रिस्पेक्ट में भी हम बोल सकते हैं कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ठीक है इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनसेशन एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, तो अगर आप ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में कर रहे हो तो ऐसे केस में तो आपको नहीं चाहिए परमिशन ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं चाहिए, पर इसके अलावा तो चाहिए। जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन में स्टिपुलेट करो कंडीशन कि यूज़ ऑफ फंड, आप फंड किधर यूज़ करोगे, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सेल प्रोसीड ठीक है, तो जो भी सेल प्रोसीड का इन्वेस्ट से भी जो
डिस्पोजल या इन्वेस्टमेंट ऑफ सेल प्रोसीड, जो भी प्रोसीड से उसका इन्वेस्टमेंट किधर करोगे, ठीक है। अब जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं चाहिए इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, पर इसके पहले आप समझो तो ये इंपॉर्टेंट है कि टाइटल वोंट अफेक्ट द बोनाफाइड लेसी। अभी अपन ने बात करी कि आप सेल कर सकते हो, लीज कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो अंडरटेकिंग। तो अगर किसी बायर ने जो है कॉन्शियस होकर भी, ठीक है, उसने एक्सरसाइज करा ड्यू केयर एंड कॉशन एंड बाय करा लीज, मतलब अगर बाय और या उसने लीज करा, ठीक है, तो उसका टाइटल अफेक्ट नहीं होगा ऑफ द बोनाफाइड लेसी या परचेजर, ठीक है। जनरल मीटिंग में अभी हमने बात करी कि स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, पर अगर सेक्शन 110 एप्लीकेबल है, अगर सेक्शन जो है 110 एप्लीकेबल है, तो देन ऐसे केस में पोस्टल बैलेट से भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो पोस्टल बैलेट पास हो जाना चाहिए, पोस्टल बैलेट से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसी समझने की है कि टेम्परेरी लोन अगर आपने लिया है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये कोई बोरोइंग नहीं है। टेम्परेरी लोन ले रहे हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो ये बोरोइंग नहीं है। इस पर पोस्टल बैलेट की हमने बात कर ली है। अब बोरोइंग टेम्परेरी जो है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम बैंकर्स, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप टेम्प्रेरी बोरिंग कर रहे हो फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम कंपनी बैंकर्स से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे केस में रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, बोरिंग से नहीं आते। इनफैक्ट जो टेम्प्रेरी लोन्स का मतलब होता है कि लोन ऑन डिमांड, ठीक है, लोन टू रिपेन 6 मंथ, पर इसमें एक्सक्लूड है लोन टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने लोन लिया है टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो भले ही वो 6 महीने में रीपे हो जाएगा, फिर भी वो टेम्प्रेरी लोन नहीं माना जाता, ठीक है। तो टेम्प्रेरी लोन बोरोइंग से नहीं आते, और इनफैक्ट स्पेशल रिजोल्यूशन में स्पेसिफाई करना चाहिए टोटल अमाउंट टू बी बोरो, तो टोटल अमाउंट, ठीक है, तो ओवरऑल लिमिट बताना चाहिए अप टू विच मनी में बी बोरोड, मतलब कि टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, कितना अमाउंट आप बोरो कर सकते हो, ठीक है, टोटल अमाउंट अप टू विच मनी कैन बी बोरोड, ठीक है। मीन्स कि सिंपल सी बात है, अगर रिजोल्यूशन पास हो रहा है तो आप बोरिंग करने के पावर दे दी आपने बोर्ड को, पर इसका मतलब ये नहीं कि अनलिमिटेड पावर दे दी। अगर रिजोल्यूशन पास हो रहा है और पावर मिल रही है, तो सिंपल सी बात है, स्पेशल रिजोल्यूशन में स्पेसिफाई होना चाहिए टोटल अमाउंट टू बी बोरो, जो आप बोरो करने की अगर आपने पावर दे दी, तो इतना, क्योंकि इतना जो है लोन वो बोरो कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं छोटी मोटी, ठीक है। और रेटिफिकेशन कैन बी पॉसिबल, रेटिफिकेशन हो सकता है एक्सेस बोरिंग का, और एनी बोरोइंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लेंडर अनलेस ही प्रूव, तो एनी बोरोइंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द लेंडर अनलेस, अगर लेंडर ने प्रूव कर दिया है डैट ही एडवांस द लोन इन गुड फेथ, अगर लोन एडवांस करा है गुड फेथ में, तो लेंडर को तो उसका कंपेंसेशन मिलेगा, कि अगर लोन लेंडर ने एडवांस करा गुड फेथ में विदाउट नॉलेज दैट द लिमिट इम्पोज बाई हिम दैट द लिमिट इम्पोज अंडर दिस सेक्शन हैज़ बीन एक्सीडेड, तो अगर उसने लैंडर ने गुड फेथ में दिया है अगर लोन, तो ये सेक्शन लैंडर के ऊपर इन्फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा कि सेल करना है, लीज करना है, डिस्पोज करना है, क्या कर रहे हो सेल, लीज ऑफ डिस्पोज, आप कर रहे हो अंडरटेकिंग या पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग, या बोल सकते हैं कि सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग। फिर हमने होल, सब्सटैंशियली द होल का मतलब देखा, हमने नेटवर्थ का मीनिंग समझा, हमने कुछ जनरल पॉइंट समझे। सेकेंड पॉइंट है, अगर आप कंपेंसेशन जो मिल रहा है मर्जर एक्विजिशन से, उसको अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ट्रस्ट सिक्योरिटीज में कर रहे हो, तो स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं लगेगा, अदरवाइज तो लगेगा, ठीक है। अमाउंट ऑलरेडी बोरो और टू बी बोरो जो है, अगर वो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है। और जो है इसके लिए तो इनफैक्ट जो है आपको बाकायदा टोटल, मतलब कि अमाउंट भी लिखा रहता है कि ओवरऑल लिमिट अप टू विच अमाउंट कैन बी बोरो। मीन्स अगर आपने कम करा तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर ज़्यादा करा है तो सिंपल सी बात है कि अमाउंट बोरोड और टू बी बोरोड टोटल मिला के ही देखा जाएगा। कम करा हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन भी नहीं लगेगा, पर अगर ज़्यादा हो रहा है तो एक कैप लगा देंगे कि इससे ज़्यादा बोरिंग नहीं कर सकते। फिर इम्पोर्टेंट आखिरी है कि रेमिट एनी डेब्ट या गिव टाइम टू रिपे डेब्ट, या तो रेमिट कर रहे हैं एनी डेब्ट, ठीक है। रेमिट मतलब कि रेमिट एनी डेब्ट, रेमिट द रीपेमेंट ऑफ एनी डेब्ट, रेमिट द रीपेमेंट ऑफ डेब्ट, रेमिट द रीपेमेंट ऑफ डेब्ट मतलब कि या तो आप माफ़ कर रहे हैं, रेमिट द रीपेमेंट ऑफ डेब्ट, और रेमिट और गिव टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डेब्ट, या आप टाइम दे रहे हैं किसी को रीपेमेंट ऑफ द डेब्ट, तो या तो रेमिट कर रहे हैं, तो रेमिट रीपेमेंट ऑफ डेब्ट और गिव टाइम टू रीपे डेब्ट, ठीक है। तो या तो आप तो अगर माफ़ कर रहे हो, या तो आप टाइम दे रहे हो, ठीक है। और डेब्ट ड्यू बाय डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर ने लिया है डेब्ट, ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं कि किसी ने लिया है, डायरेक्टर ने लिया है डेब्ट, या तो रेमिट कर रहे हो या तो आप जो है उनको टाइम दे रहे हो,
तो ऐसे केस सिचुएशन में जो है आपको बाकायदा बोर्ड की पावर, तो अगर बोर्ड को इधर पावर लगानी है तो इधर स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। तो बोर्ड कैन एक्सरसाइज दिस टाइप ऑफ पावर ओनली आफ्टर स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि 181 का कॉन्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो चैरिटेबल फंड में आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो जो है एक्सीडिंग 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट जो है एवरेज नेट प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग थ्री ईयर, तो प्रीसीडिंग थ्री ईयर का एवरेज नेट प्रॉफिट निकालो, ठीक है, उसका 5% करो। उससे ज़्यादा अगर कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है बोनाफाइड चैरिटेबल फंड में तो ऐसे केस में जो है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा। अगर नहीं हो रहा है 5% से ज़्यादा, मतलब 5% पे भी हो रहा है, ठीक है, तो भी जो है वह नहीं लगेगा। तो इधर बोनाफाइड चैरिटेबल फंड बोला है, मतलब कि अगर कंपनी ने एक ट्रस्ट बनाया है, ठीक है, कंपनी के एम्प्लॉय के लिए, तो उधर कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये चैरिटेबल फंड नहीं है, ठीक है। तो नो फंड फॉर कंपनी एम्प्लॉय, और कंपनी के एम्प्लॉय या कंपनी के लिए, से अगर कंपनी ने सी कोई सा एक्सक्लूसिवली हॉस्पिटल बनाया जो हॉस्पिटल सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉय के लिए है, तो उसको आप बोनाफाइड चैरिटेबल फंड नहीं बोल सकते। बोनाफाइड चैरिटेबल फंड उसको बोलते हैं जहाँ पे कॉमन पब्लिक के लिए वो ओपन हो रादर देन स्पेसिफिक लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर एक्सक्लूसिवली हॉस्पिटल या एक्सक्लूसिवली स्कूल बनाया हो, ठीक है, और उधर वो फंड डोनेट हो रहा है, उधर कंपनी कुछ पैसे दे रही है, तो ऐसे केस में ये इधर कवर नहीं है, ठीक है। ऐसे केस में ओआर की ज़रूरत नहीं है, स्टाफ वेलफेयर कर रही है, तो इसको स्टाफ वेलफेयर को बोनाफाइड चैरिटेबल फंड में मत मान लेना, ठीक है। अब हमने क्या समझा कि अगर आप बोनाफाइड चैरिटेबल फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो मोर देन 5% पे सिंपल सी बात समझो कि मोर देन 5% पे आपको ओआर लग जाएगा, अदरवाइज जो है बीआर से भी काम हो जाएगा। जो है 5% वो एवरेज नेट प्रॉफिट का, पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 5% लेंगे, ठीक है, और ये हर फाइनेंशियल ईयर में देखा जाएगा। कॉन्ट्रावेंशन करा है तो आपने जो भी डोनेशन करा है वोल्टा वायर्स मान दिया जाएगा, ठीक है, और ओआर की जो ज़रूरत नहीं है अगर एक्सक्लूसिवली फंड हो तो। ये 181 हमने पढ़ा। रही बात आती है 182 की, तो वो भी समझना चाहिए कि 182 में सिंपल सी बात है, इधर 181 अगर हम देखें तो उधर आरबीसी चल रहा था, अगर देखें तो आरबीसी था, हाँ इधर आरबीसी था, पर अगर 182 देखें तो आरबीसी नहीं है, और इनफैक्ट जो है इधर ओआर से भी काम नहीं चलेगा, मतलब इधर आरबीसी नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे ओआर की भी ज़रूरत ही नहीं है, इधर बोर्ड रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, और कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है, अगर कंपनी पॉलिटिकल पार्टी में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है तो सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं कर सकती, या कंपनी जिसको अभी एग्जिस्ट में आए हुए ही 3 फाइनेंशियल ईयर हुए हैं या 3 फाइनेंशियल ईयर से कम हुए हैं तो वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। तो कंपनी जो 3 साल से छोटी है और गवर्नमेंट कंपनी तो वैसे भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें आरबीसी ना, तो इधर आरबीसी है, ठीक है, और ना तो इसमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि लिमिट कितने भी लिमिट में आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, और मीन्स दो तरीके के हैं, या तो आपने डायरेक्ट पैसे दे दिए या तो आपने इनडायरेक्ट पैसे दिए। अब इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अभी अपन पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन, बट अगर हम देखें कि अगर पर्सन ने किसी एक कंपनी ने किसी पर्सन को पैसे दिए और पर्सन ने उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की पब्लिक सपोर्ट एक्टिविटी के लिए वो पैसे को यूज़ किया है तो वो भी पॉलिटिकल पार्टी माना जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए 29A में, ये हमने बात करी। अब पॉलिटिकल पार्टी जो है ये पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, ये इनडायरेक्ट जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो डीम्ड पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ये हमने पढ़ा। एक तीसरा तरीका और है कि कंपनी एक्सपेंडिचर करी पब्लिकेशन में बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी या एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि कंपनी जो है एक्सपेंडिचर कर रही पब्लिकेशन में बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे पॉलिटिकल पार्टी के एडवांटेज में अगर ये एडवर्टीजमेंट कर दी तो एक्सपेंस बियर कर दी तो पब्लिकेशन के, ठीक है। सो एक आता है आखिरी नेशनल डिफेंस फंड, मतलब कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड। इसमें इम्पॉर्टेंट यह है कि नेशनल डिफेंस फंड या प्राइम मिनिस्टर का नेशनल रिलीफ फंड को भी नेशनल डिफेंस फंड में मान लिया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट यह है इधर भी कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो, ठीक है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करे बाय बोर्ड रिजोल्यूशन, तो इधर बीआर भी चलेगा और आरबीसी भी चलेगा, ठीक है, तो इधर आरबीसी भी चलेगा। यह पर्सन एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अनलिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बस आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इररिस्पेक्टिव कि आर्टिकल में मना करके रखा हो फिर भी आप कॉन्ट्रावेंशन, आप अगर आप जो है आर्टिकल आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है नेशनल डिफेंस फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में बात हो रही थी। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि
अखिलती बात अगर हम देखें तो 182 के रिस्पेक्ट में कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसी भी थी कि कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में कर रहे हो तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है PNL में, राइट। पेनल्टी है कि अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो 5 times जितना भी आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया उसकी 5 times की पेनल्टी कंपनी को और ऑफिसर को भी 5 times की पेनल्टी, साथ ही साथ जो है 1 month का, सॉरी 1 month नहीं है वो 6 months है, 6 months तक की जेल मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम अप टू 6 months तक की जेल। अगर रही बात तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट, तो वैसे पॉलिटिकल पार्टी में करा है तो इलेक्टोरल ट्रस्ट में कर रहे हैं, पर इधर ध्यान रखो कि पॉलिटिकल पार्टी में कर रहे हो तो आपको लग जाएगा, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हो तो कर रहे हो कॉन्ट्रीब्यूशन तो डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा, इलेक्टोरल ट्रस्ट में कर रहे हो तो डिस्क्लोज भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इलेक्टोरल ट्रस्ट जब पॉलिटिकल पार्टी को डिस्क्लोज कर रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा कि अमाउंट कितना रिसीव हुआ है और कितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन तो अदर देन कैश होना चाहिए, बीआरआर चेक होना चाहिए, किसी भी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन करो, अनलिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूशन करो, उसे बोर्ड रिजोल्यूशन भी है, कोई ऐसा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन वाला सीन तो है नहीं। और देखा जाए तो कॉन्ट्रीब्यूशन है कि पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन में आप किस तरीके से भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आपने पैसे दे दिए, डोनेट कर दिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया है मैगजीन का, पेमेंट कर रहे हो थर्ड पार्टी को ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो मैगजीन में, तो ये सब चीज़ें कवर है। और प्रोहिबिशन तो गवर्नमेंट कंपनी और कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस लेस देन 3 financial year है तो ऑब्वियसली बात है। तो इधर जो है 3 साल से कम की बात करें, 3 साल से ज़्यादा नहीं, 3 साल या से ज़्यादा नहीं, 3 साल से कम पे है, 3 साल भी हो गए तो भी आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो जो बेनिफिट है वो कंपनी के फेवर में है। ऊपर से जो OR की बात करें तो उसमें भी ऐसा है कि 5% तक करो तो कोई दिक्कत नहीं, 5% से ज़्यादा करो तो OR लग जाएगा। तो हमने जितना भी पढ़ा है उस पर अराउंड 21 questions है, ठीक है, 31 से लेके हमको 52 तक जाना है, अगर देखा जाए तो 22 questions है। चलो हम फटाफट ख़त्म करते हैं। तो ए इज़ द डायरेक्टर ऑफ MN कंपनी लिमिटेड, ए ने बोरो करे 50 lakh ऑन रीजनेबल टर्म्स फ्रॉम एक्स, तो ए ने बोरो करे 50 lakh ऑन रीजनेबल टर्म फ्रॉम एक्स फॉर कंपनीज बेनिफिट एंड बिजनेस, ए हैज़ नो पावर, तो ए ने बोरो करे कंपनी के बेनिफिट के लिए, ए के पास कोई पावर नहीं है, व्हाट विल बी द लीगल पोजीशन, अब क्या करे। तो चिंता मत करो, जो उसने बोरो करे हैं वो कंपनी के बेनिफिट और बिजनेस के लिए ही करे हैं। तो अगर देखा जाए तो समझते हैं, चलो ठीक है। अब 179(3) क्या बोलता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्सरसाइज सर्टेन पावर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, बोला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल एक्सरसाइज सर्टेन पावर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बाय मीन्स ऑफ रिजोल्यूशन पास एट मीटिंग ऑफ बोर्ड, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल एक्सरसाइज सर्टेन पावर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी बाय मीन्स ऑफ रिजोल्यूशन पास एट मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड इंक्लूडिंग देयर इन इज टू बोरो मनी, ठीक है। अब टू बोरो मनी इज विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर एंड सो द आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी आर इंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट एवरी डायरेक्टर इज ऑथराइज टू बोरो मनी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो सी क्या है कि इधर अगर हम देखें तो बोरो करना तो बोर्ड के पावर में ही आता है, ठीक है। टू बोरो मनी इज इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, सो द आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी आर इंटाइटल टू एज्यूम, आउटसाइडर एज्यूम कर सकता है कि एवरी डायरेक्टर ऑथराइज है टू बोरो मनी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो अगर मनी बोरो करा है एंड यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी लेजिटिमेट बिजनेस पर्पज के लिए, तो कंपनी अपने आप से पल्ला नहीं झाड़ सकती, सिंपल सी बात है, कंपनी रेप्यूडिएट नहीं कर सकती लाइबिलिटी को, ठीक है। और तो ए के पास कोई पावर नहीं है बोरो की, अब इधर ऐसा बोल के रखा है कि ए के पास कोई बोरो पावर करने की बोरो करने की पावर नहीं है, ये बोल के रखा था। पर अगर हम देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सरसाइज पावर कर सकता है कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करे और बोरो कर सकता है। अब बोरो मनी इज विद इन द एम्प्लॉयज अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकता है, सो द आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम, तो आउटसाइडर टू एंटाइटल्ड है ना, यही अज्यूम करने के लिए कि एवरी डायरेक्टर इज ऑथोराइज। जब बोर्ड के पास पावर है कि वो इस पर रिजोल्यूशन से बोरो कर सकता है, ठीक है, तो जब भी कोई आउटसाइडर डील करेगा कंपनी से तो आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी आर इंटाइटल टू अज्यूम दैट एवरी डायरेक्टर इज ऑथोराइज टू बोरो मनी, वो तो यही समझेगा ना कि हर डायरेक्टर ऑथोराइज है। अब बाद में अगर आप तुम ऐसा बोल रहे हो तो ऐसे थोड़ी ना कर सकते, ठीक है, तो ऐसे केस में आप हाथ खड़े थोड़ी ना कर सकते, जो पावर है बोर्ड मीटिंग में वो बोर्ड रिजोल्यूशन से ही एक्सरसाइज कर। चलो अब आती बात, आउट ऑफ पावर एक्सरसाइजेबल बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 179, द बोर्ड वांट टू डेलीगेट टू द MD, सी आउट ऑफ द पावर एक्सरसाइजेबल बाय द बोर्ड, बोर्ड को चाहिए कि वो डेलीगेट कर दे पावर MD को, ठीक है, द बोर्ड वांट टू डेलीगेट टू द MD ऑफ द कंपनी द पावर टू बोरो मनी अदरवाइज देन ऑन डिबेंचर
एडवाइज वेदर सच डेलीगेशन इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल कर सकते हैं क्या डेलीगेशन, समझो। तो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट पावर टू बोरो मनी मे बी डेलीगेटेड टू MD और टू मैनेजर और एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर इंक्लूडिंग ब्रांच ऑफिसर। तो ये तो अपन ने पढ़ा था PCM कि MD मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर इंक्लूडिंग ब्रांच ऑफिसर, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था कि क्या आप पावर डेलीगेट कर सकते क्या। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ डेलीगेशन इज गिवन टू मैनेजर। तो इधर MD को करा है तो मैनेजर भी करो तो आंसर डिफरेंट नहीं होगा। पावर MD को भी हम जो है डेलीगेट कर सकते हैं एन अदर प्रिंसिपल ऑफिसर इंक्लूडिंग ब्रांच ऑफिसर, तो उसको भी डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सारी की सारी बोर्ड की पावर इन्होंने बता दी। फिर DEF वाली जो पावर है, ये D2F लिखा हुआ है, वो क्लॉस D2F आप डेलीगेट कर सकते हो, पर इधर वो 186 वाली बातें नहीं लिखी हुई है, पर ठीक है 186 वाली बातें जब आंसर में लिखी हुई होगी तो हम देख लेंगे, अभी इसमें आंसर में नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हम काटते हैं, इतना कुछ खास क्वेश्चन था नहीं है, MTP अप्रेल 18 का क्वेश्चन है। बट सिंस ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम ऐसे भी इसको एज अ ग्रांटेड नहीं ले सकते, ये क्वेश्चन पूछ रहे इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, तो ये पूछने के बाद ठीक है, अब हम जो है ये दो क्वेश्चन हमने फटाफट देख लिए हैं, 20 क्वेश्चंस तक जाना है हमको। एडवाइस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रा पेपर्स लिमिटेड रिगार्डिंग वैलिडिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर पावर्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट इन रिलेशन टू फॉलोइंग मैटर्स। बाय बैक ऑफ द शेयर्स ऑफ अ कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम अप टू 10% ऑफ पेड अप कैपिटल विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। तो ठीक है, हमने पढ़ा था कि बाय बैक ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी जो है बोर्ड कर सकती है, सब्जेक्ट टू अगर आर्टिकल से बोले तो बाय बैक कर सकते हो और स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं लगेगा अगर आपने सिर्फ 10% तक ही कराए तो। देख लेते हैं, यही है कि बाय बैक इज 10% और लेस ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड सच बाय बैक हैज़ बीन ऑथराइज बाय द बोर्ड बाय मीन्स ऑफ रिजोल्यूशन पास एट द मीटिंग। तो बाय बैक जो है बोर्ड द्वारा ऑथराइज होना चाहिए, मतलब सिंपल सी बात है, रिजोल्यूशन भी पास होना चाहिए। तो बाय बैक जो है बोर्ड रिजोल्यूशन तो पास होना ही चाहिए, आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ हो बोर्ड रिजोल्यूशन भी पास हो जाएगा, और स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए अगर आपने ज़्यादा बाय बैक किया तो, अदरवाइज आप कम बाय बैक करोगे तो फिर स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। तो बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा, साथ ही साथ आर्टिकल में भी लिखा होना चाहिए। तो फॉर बाय बैक ऑफ शेयर अप टू 10% स्पेशल रिजोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ सच बाय बैक हैज़ बीन ऑथोराइज बाय बोर्ड बाय रिजोल्यूशन, ठीक है, पास इन द मीटिंग। इधर RBC तो वैसे भी नहीं चलता, बोर्ड रिजोल्यूशन से हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगला कौनसा है कि डेलीगेशन ऑफ पावर टू द MD ऑफ द कंपनी। डेलीगेशन ऑफ पावर, हमने पावर डेलीगेट किया है टू द MD ऑफ द कंपनी टू इन्वेस्ट सरप्लस फंड ऑफ द कंपनी। तो डेलीगेशन ऑफ पावर तुझे क्या लिखा हुआ है, सेकेंड डेलीगेशन ऑफ पावर टू द MD, MD को डेलीगेट कर रहे हैं टू इन्वेस्ट सरप्लस फंड। अब सी, अभी हमने क्या पढ़ा था कि इन्वेस्ट कर रहे हो तो 186 ओवरराइड कर जाता है। अब क्वेश्चन आंसर में तो ऐसा लिख नहीं रहे हैं, मतलब एक तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं सरप्लस फंड ऑफ द कंपनी, हम ये डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं किधर बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे डेलीगेशन की। तो 186(5) डज नॉट प्रोवाइड फॉर डेलीगेशन, हैंस द प्रपोज डेलीगेशन ऑफ पावर टू द MD टू इन्वेस्ट सरप्लस फंड ऑफ द कंपनी इन द शेयर्स ऑफ सम अदर कंपनी इज नॉट इन ऑर्डर। तो ओके, क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो इधर हम इसको काट देते हैं, मतलब कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप इस तरीके की चीज़ें डेलीगेट नहीं कर सकते। चलो एक बार पढ़ देते हैं कि क्लॉज ई ऑफ 179(3) बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्सरसाइज पावर टू इन्वेस्ट फंड, ठीक है, ये जो है क्लॉज ई, ठीक है, ये है सब क्लॉज ई जो भी बोल रहे हैं, हाँ क्लॉज ई की पावर टू इन्वेस्ट फंड ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बाय मीन्स ऑफ रिजोल्यूशन पास एज मीटिंग। अब प्रोविजन टू 179(3) प्रोवाइडेड डेट बोर्ड में बाय रिजोल्यूशन पास करोगे आप मीटिंग में, आप डेलीगेट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के रिस्पेक्ट में जो भी है पावर आप डेलीगेट कर सकते हो। हाउएवर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर कंपनी विल बी गवर्न अंडर सेक्शन 186 सबसेक्शन 5। तो ये तो 186 से गवर्न भी होता है, 179 में आपने बोला डेलीगेट कर सकते हो, पर ये 186 में स्पेसिफिक कवर होता है। इन अकॉर्डेंस विद विच नो इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड लोन और गारंटी और सिक्योरिटी गिवन बाय द कंपनी। नो इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकते गिवन बाय द कंपनी अनलेस द रिजोल्यूशन सैंक्शनिंग इट इज पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर। तो ऐसे केस में जो है आप लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ठीक है, नहीं दे सकते अनलेस अगर कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर क्यों नहीं मिला हो, ठीक है, अनलेस द रिजोल्यूशन सैंक्शन इट इज पास एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। अनलेस द रिजोल्यूशन सैंक्शन, जो भी रिजोल्यूशन सैंक्शन करा है, अनलेस द रिजोल्यूशन सैंक्शन इट इज पास एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग एम प्रायर अप्रूवल। साथ ही साथ
देखो कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए, और प्रायर अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी चाहिए, और प्रायर अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसर्न वेयर एनी टर्म लोन इज सब्सिस्टिंग इज ऑब्टेंड। ठीक है, तो क्या बोला है, इन अकॉर्डिंग विद विच नो इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड और लोन और गारंटी सिक्योरिटी गिवन बाय द कंपनी। तो नो इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड और लोन गारंटी सिक्योरिटी गिवन बाय द कंपनी, कुछ भी नहीं कर सकते अनलेस रिजोल्यूशन सैंक्शन इट इज पास एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। जब तक रिजोल्यूशन पास नहीं होता, तो रिजोल्यूशन तो पास हो तभी तो जाके होगा, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग। जब तक सारे डायरेक्टर का कंसेंट नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते, वो साथ ही साथ सारे डायरेक्टर का कंसेंट तो चाहिए चाहिए, इनफैक्ट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रायर अप्रूवल भी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन में क्या बोला था कि डेलीगेशन कर सकते हैं क्या इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में, 179 बोलता है डेलीगेशन कर सकते हो, ठीक है डेलीगेशन कर सकते हो, बट जो है सिंपल सी बात है 186 ओवरराइड कर जाता है। 186 बोल रहा है कि ये सब चीज़ों के पहले आपको पहले कंसेंट चाहिए सारे डायरेक्टर की। 186.5 डज नॉट प्रोवाइड डेलीगेशन, 186.5 डेलीगेशन की बात ही नहीं करता है, हैंस दी प्रपोज डेलीगेशन द इन्वेस्ट सरप्लस फंड ऑफ द कंपनी इन द शेयर्स ऑफ सम अदर कंपनी इज नॉट इन ऑर्डर। तो ये जो है पर्टिकुलर ये सब चीज़ें जो है हम काटो, कोई मतलब नहीं है, और मई 10 में पूछा गया है। अब देखें तो अगला क्वेश्चन है, मैसर्स मल्टीप्लेक्स बिल्डर लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग टू एंटर इंटू अ JV एग्रीमेंट विद अनदर कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी। ठीक है, JV एग्रीमेंट में एंटर हो रही है काय के लिए, डेवलपमेंट ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी लोकेटेड इन दिल्ली। सेम इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वीन द बोर्ड मीटिंग इमीडिएटली एज द डायरेक्टर एट डिफरेंट प्लेस इन कनेक्शन विद वेरियस वर्क। द MD seek your advice इन द फॉलोइंग मैटर, whether the resolution pertaining to the JV agreement is required to be passed at the board meeting। तो resolution pertaining to JV agreement, ठीक है हमको JV agreement करना है, is required to be passed at the board meeting convened for this purpose or whether it can be passed by means of circular resolution। तो हमारा पहला सवाल ये है कि अगर resolution pertaining to JV agreement, कि मेरे को JV agreement में उतरना है, ठीक है किसी अनादर कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए फॉर द डेवलपमेंट, क्या वो बोर्ड मीटिंग में कर सकते हैं, और वेदर इट कैन बी पास बाय मीन्स ऑफ सर्कुलर रिजोल्यूशन। तो क्या लिखा हुआ है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट बोर्ड अप्रूवल कैन बी टेकन ईदर बाय रिजोल्यूशन पास एट बोर्ड मीटिंग और बाय मीन्स ऑफ सर्कुलर रिजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन। सेक्शन 175 डील्स विद द प्रोविजन रिलेटेड टू सर्कुलेशन। तो बोर्ड मीटिंग तो कैसे भी कर सकते हैं, एज पर 179.3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्सरसाइज सर्टन पावर। एज पर 179.3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्सरसाइज सर्टन पावर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एक्सरसाइज कर सकती है सर्टन पावर, ये जो सर्टन पावर्स है, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी बाय मीन्स ऑफ रिजोल्यूशन पास एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड। नो वेयर इन सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 रिस्ट्रिक्ट। ओके, कहीं भी 179.3 में रिस्ट्रिक्ट नहीं करा है रिजोल्यूशन पर्टेनिंग टू JV एग्रीमेंट। तो रिजोल्यूशन अगर पर्टेनिंग टू JV एग्रीमेंट है तो ये सर्टेन पावर्स में नहीं आता है। अब सर्टेन पावर्स में नहीं आता है इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, हम जो है RBC से कर सकते हैं क्योंकि कहीं भी दिया हुआ नहीं है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि MD कैन एंटर इनटू जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ बोर्ड बाय पासिंग सर्कुलर रिजोल्यूशन। तो जो MD है वो एंटर हो सकता है जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड बाय पासिंग अ सर्कुलर रिजोल्यूशन। ठीक है, दूसरा वॉट आर द रिजोल्यूशन डेटा रिक्वायर्ड टू बी पास ओनली एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो रिजोल्यूशन की तो लिस्ट है बहुत बड़ी कि रिजोल्यूशन टू बी पास ओनली एट द मीटिंग, किसी मीटिंग में ही होंगे, तो ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है। ठीक है, स्टेप डेटा रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू पास द बोर्ड रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। स्टेप डेटा रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू पास द रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, तो स्टेप क्या है, वो ड्राफ्ट पेपर्स ये सब की बात है। वन सेकेंड, अब देखो स्टेप टू बी टेकन टू पास बोर्ड रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो एज पर सेक्शन 175 ऑफ द कंपनीज एक्ट नो रिजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली पास बाय द बोर्ड। कोई भी रिजोल्यूशन, नो रिजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली पास बाय द बोर्ड, नो रिजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली पास बाय द बोर्ड और बाय कमिटी देयर ऑफ बाय सर्कुलेशन अनलेस। मतलब कि कोई भी रिजोल्यूशन नहीं माना जाएगा कि रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से हुआ है। तो नो रिजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी ड्यूली पास बाय द बोर्ड और बाय कमिटी देयर ऑफ बाय सर्कुलेशन। तो वही है कि ड्राफ्ट नेसेसरी पेपर्स जो है आपको ड्राफ्ट रिजोल्यूशन नेसेसरी पेपर्स सारे डायरेक्टर को देना है एट इंडियन एड्रेस,
ठीक है, एट देयर एड्रेस रजिस्टर विद द कंपनी इन इंडिया, ठीक है, एंड देन जो है ओके, फिर इसके बाद जो है हमको बाय पोहे, ठीक है, तो पोस्ट हैंड डिलीवरी ई मेल, उसमें से जो हैज़ बीन अप्रूव बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर, और जो अप्रूव कौन करेगा, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर, हैज़ बीन अप्रूव बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर और मेंबर हु आर इंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन, तो जो भी इंटाइटल्ड है वो मेजॉरिटी इसको अप्रूव करेगा। तो इस तरीके से हमने जो बात करी है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पे, ये आरटीपी में क्वेश्चन आ गया था। अब सी देखो, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 180। सेक्शन 180 से जो है हमको रिस्ट्रिक्शन ऑन बोर्ड पावर, तो हम जो है सेक्शन 180 के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हमने अभी सेक्शन 179 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने वो मार्क कर लिए हैं और वो भी इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट हमने लिख लिए हैं। अब सेक्शन 180 से इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इस पे एम्पल क्वेश्चन अच्छे आने वाले हैं। ओके, तो 180, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्टेपिंग स्टोन्स पब्लिकेशन एट अ मीटिंग हेल्ड ऑन 15 जनवरी 2018 रिजॉल्व टू बोरो। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एट अ मीटिंग रिजॉल्व किया कि हम बोरो करेंगे सम ऑफ 15 करोड़ फ्रॉम नेशनलाइज बैंक, ठीक है, 15 करोड़ की बोरिंग करेंगे। वन ऑफ द डायरेक्टर हु अपोज द सेड बोरिंग एज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, हु अपोज द सेड बोरोइंग एज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो वन ऑफ द डायरेक्टर हु अपोज द सेड बोरोइंग एज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी हैज रेज एन इशू दैट द सेड बोरोइंग इज आउटसाइड द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या ये आउटसाइड द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है? तो गलत, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आउटसाइड द पावर नहीं है, डायरेक्टर बोरो कर सकता है, ठीक है। तो अब द कंपनी सीक योर एडवाइस, द फॉलोइंग डेटा इज गिवन। ओके, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि आउटसाइड द पावर है कि नहीं है। अब देखो, देखे तो 15 करोड़ ये बोरो कर रहा है, ठीक है, और अभी अपन ने देखा है कि अगर बोरो ऑलरेडी जो करा हुआ है और टू वी बोरो, ठीक है, टोटल मिला के सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों देखे जाते हैं, टोटल मिला के पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम से ज़्यादा होता है, तो उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है, फिर बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फिर रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऐसे केस में रिस्ट्रिक्शन है। तो पहले देखो, पेड अप कैपिटल 5 करोड़ है, सिक्योरिटी प्रीमियम दे के नहीं रखा है, पर रिजर्व एंड सरप्लस है 5 करोड़। अब ऐसे केस में पेड अप कैपिटल रिजर्व सरप्लस तो 10 करोड़ है, अब 10 करोड़ से ज़्यादा ही है, क्योंकि इधर जो बोरिंग कर रहे हैं वो 20 करोड़, साथ ही साथ 15 करोड़ 35 करोड़ का कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो है गलत हो गया। ऐसे केस में अगर आपको बोरिंग करनी है एक्सेस 15 करोड़ की, सिंपल सी बात है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा और स्पेशल रिजोल्यूशन में लिखा जाएगा कि मैक्सिमम अमाउंट जो ऑलरेडी बोरो टू बी बोरो जो मैक्सिमम अमाउंट है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो पर्टिकुलर अमाउंट दे के रखेंगे। क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो 180 के सारे पावर लिख दे कंक्लूजन में, सपोज बोरिंग ऑफ 15 करोड़ विल एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट, सो द मैनेजमेंट शुड टेक स्टेप्स, शुड टेक स्टेप मतलब कि जनरल मीटिंग कन्वीन करें और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करें, बस यही चीज़ें थी, इतना कुछ खास था नहीं। आंसर में देखा जाए तो 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के बारे में पूरा लिख के रखा हुआ है, ठीक है, ओके, और फिर इसमें यह भी लिखा हुआ है कि छोटी मोटी चीज़ें हैं कि अगर आपने टेम्प्रेरी लोन अगर आपने बोरो कराया है तो टेम्प्रेरी लोन में आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है, तो ऐसे केस में जो है आपको बकायदा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमम बोरिंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोरो कर सकता है बिना रिजोल्यूशन के, तो वो तो सिर्फ 10 करोड़ तक ही कर सकता था, ठीक है, तो अमाउंट जो वो कर रहा है बोरो, जो भी वो लिमिट से ज़्यादा बोरो कर रहा है, तो ऐसे केस में अप्रूवल तो चाहिए। चलो, तो ईजी क्वेश्चन था, काटो। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है इसके रिस्पेक्ट में, द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड पब्लिक कंपनी 100 करोड़ है, तो पेड अप लिमिटेड 100 करोड़ है, शेयर होल्डर और पेड अप कैपिटल ऑफ रिजर्व दोनों मिला के 100 करोड़ है, द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी एट अ जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 4 अप्रैल 2019 बाय स्पेशल रिजोल्यूशन ऑथराइज बोर्ड, तो शेयर होल्डर ने 4 अप्रैल को स्पेशल रिजोल्यूशन से बोर्ड को ऑथराइज किया है ऑफ द कंपनी टू बोरो द मनी एक्सीडिंग द पेड अप कैपिटल इन फ्री रिजर्व टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड, कि जितना आपकी ज़रूरत है आप उतना जो है टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड आप जो है बोरो कर लो। अब डायरेक्टर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज अ रिजल्ट उसने बोरो करा मनी टू द एक्सटेंट 130 करोड़ इंक्लूडिंग 20 करोड़ एज शॉर्ट टर्म लोन,
और 25 करोड़ एज द टेम्परेरी लोन। तो देखो 25 करोड़ तो उसने टेम्परेरी लोन ले लिया, ठीक है। अब 20 करोड़ शॉर्ट टर्म लोन है और 25 करोड़ जो है टेम्परेरी लोन है। अब टेम्परेरी लोन भी फाइनेंसिंग दी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो ऐसे केस में वो ये जो 20 करोड़ है ये 20 ये जो 25 करोड़ टेम्परेरी लोन है तो ये भी जो है ये टेम्परेरी लोन में नहीं आएगा, ठीक है। ये टेम्परेरी लोन में कवर नहीं है, मतलब इसको इंक्लूड करा जाएगा लोन में, बोरिंग्स में इंक्लूड करा जाएगा। तो देखो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्ट द बोर्ड एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ बोरिंग मनी टू एन एक्सटेंट ऑफ 130 करोड़, क्या बोरो कर सकता है? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये तो बोरो ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है, हमने ये पढ़ा था कि स्पेशल रिजोल्यूशन में बकायदा अमाउंट स्पेसिफाई होना चाहिए कि आप एक्सेस में कितना अमाउंट बोरो कर सकते हो या आप कितना अमाउंट बोरो कर सकते हो टू द एक्सटेंट, पर इधर बोला ही नहीं गया। तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग ये वो डिफेक्टिव है एज इट डज नॉट स्पेसिफाई द टोटल अमाउंट अप टू विच अमाउंट कैन बी बोरोड, तो उसमें टोटल अमाउंट स्पेसिफाइड ही नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो स्पेशल रिजोल्यूशन में तो सिर्फ यही लिखा हुआ है कि टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप बोरो कर सकते हो, तो ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गई। दूसरा ये बोल रहे हैं वुड योर आंसर बी, व्हाट वुड योर आंसर इन केस कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रिजर्व 150 करोड़ है एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोरो मनी टू एन एक्सटेंट ऑफ 140 करोड़ विच नाइदर इंक्लूड, उसमें ना तो शॉर्ट टर्म लोन इंक्लूडेड नॉट द टेम्पररी लोन फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो अगर कंपनी का पेड अप कैपिटल एंड फी रिजर्व इंक्रीज टू 150 करोड़ एंड इसमें शॉर्ट टर्म लोन भी इंक्लूड नहीं है और टेम्परेरी लोन भी इंक्लूड नहीं है फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ द कंपनी, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो टेम्परेरी लोन में दोनों इंक्लूड नहीं है, तो दोनों को तो इंक्लूड करेंगे ही ना। क्वेश्चन अपन से ये पूछ रहे हैं, अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं व्हाट वुड योर आंसर इन केस कंपनी पेड अप कैपिटल फी रिजर्व इंक्रीज टू 150 करोड़, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोरो करा मनी टू द एक्सटेंट 140 करोड़, इसमें इंक्लूड नहीं है शॉर्ट टर्म लोन और टेम्प्रेरी लोन फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ द कंपनी, दोनों इंक्लूड नहीं है, तब जाके 140 करोड़ है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम देखें तो इसका जो पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व है 150 करोड़ है, 140 करोड़ में दोनों इंक्लूड नहीं है, जबकि दोनों इंक्लूड होने चाहिए। तो ऐसे केस में जो है, ऐसे केस में सिंपल सी बात है कि जो है स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाएगा। पर इधर जो शॉर्ट टर्म लोन है ना, शॉर्ट टर्म लोन में हमको लिखना पड़ेगा कि जो शॉर्ट टर्म लोन है इसमें जो है लोन जो रिपे हो रहा है 6 महीने के अंदर ये इससे ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म लोन एटलीस्ट लोन जो रिपे हो रहा है 6 महीने के अंदर इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस लोन को इंक्लूड कर लेंगे, अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म लोन को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे केस में वो टेम्प्रेरी लोन मान लिए जाएंगे। अब टेम्प्रेरी लोन मान लिए जाएंगे तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, पर टेम्प्रेरी लोन फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ द कंपनी तो ये तो इंक्लूड करेंगे। और ये अगर इंक्लूड करेंगे तो 140 में हम जो है 25 करोड़ ऐड कर लेंगे। अब 140 से 25 करोड़ ऐड कर देंगे तो 162 हो जाएगा और ये कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा, ठीक है। पर फिर भी स्टार मार्क करा है क्योंकि इसमें आंसर कुछ डिफरेंट तरीके से बोल रहे हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखें तो बिग बैन लिमिटेड अ रेप्यूटेड पब्लिक कंपनी जिसने एडवांस करे सर्टन सम ऑफ मनी टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर, उसने एडवांस करे है सर्टन सम ऑफ मनी टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर नेमली मिस्टर तन्मय ऑन सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन फिक्सिंग द टाइम लिमिट फॉर रीपेमेंट। तन्मय अप्रोच करा कंपनी के पास विद अ रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट, कि टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दो फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंटिंग टू 12 लाख बाय अनदर 6 मंथ। अब ये जो है अगर करना है एक्सटेंशन ग्रांट करना है तो हु इज ऑथराइज, बोर्ड ऑथराइज, जब पर स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाएगा, ठीक है। बोर्ड ऑथराइज है पर वो कर लेगा, अकॉर्डिंगली कंपनी इन जनरल मीटिंग जो है इज ऑथराइज टू ग्रांट एक्सटेंशन एज रिक्वेस्टेड बाय तन्मय बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन से कर लेगा। अब ड्राफ्ट एन अप्रोप्रिएट नोटिस फॉर द मीटिंग वेयर सच एक्सटेंशन में बी ग्रांटेड, अब हमको अप्रोप्रिएट नोटिस देना है जहाँ पे एक्सटेंशन ग्रांट कर सकते हैं, तो हमको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है जहाँ पे जो है ये एक्सटेंशन इस तरीके की ग्रांट कर सकते हैं। तो ये नोटिस के लिए इसलिए जो है इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर दो, क्योंकि हमको इधर नोटिस देने का है, ठीक है। तो ये कुछ नया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेटर एज एट 31/3/2019 डिस्क्लोज द फॉलोइंग पोजीशन, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों देखे रखा है। एक्स जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है वो अप्रोच करा रॉयल बैंक के पास फॉर सिक्योर्ड लोन 600 करोड़ टू फाइनेंस न्यू प्रोजेक्ट। अब 600 करोड़ और चाहिए, देखा जाए तो सिक्योर्ड लोन 150 है, अनसिक्योर्ड 100 है, 600 और चाहिए तो 850 हो जाएगा।
850 हो जाएगा, शेयर कैपिटल और पेड अप कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस तो 400 है, तो 450। ठीक है, बैंक सीक योर एडवाइस वेदर इट कैन ग्रांट लोन ऑफ 600 करोड़ ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ मिस्टर एक्स। बैंक सीक योर एडवाइस वेदर इट कैन ग्रांट लोन, अब देखो इधर बोरिंग लेनी है तो बैंक वेदर इट कैन ग्रांट लोन ऑफ 600 करोड़ ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एक्स। क्या एक्स अगर MD अप्रोच कर रहा है रॉयल बैंक के पास तो क्या उसको मिल जाएगा, क्या बैंक लोन दे सकती है, बैंक एडवाइस लेना चाह रहा है, क्या वो लोन जो है दे सकती है क्या 600 करोड़ का एक्स को। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा था कि पावर जो है एक्सरसाइज बाय बोर्ड, ये बोर्ड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम बोरिंग वो 400 करोड़ तक कर सकते हैं बिना स्पेशल रिजोल्यूशन के, उनको अगर उसके ऊपर की बोरिंग करनी है तो उनको बाकायदा जो है स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। मतलब कि अगर तो सिंपल सी बात है कि ये 250 करोड़ तक अगर हम देखें तो सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन 250 करोड़ तक लेकर रखा है, 600 करोड़ इनको और चाहिए। देखा जाए तो ये 150 करोड़ तक और ले सकते हैं बिना स्पेशल रिजोल्यूशन के, बचे हुए 450 करोड़ के लिए उन्हें स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाएगा। तो क्या लिखा है, प्रपोजल ऑफ द कंपनी टू बोरो 600 करोड़ एक्सीड द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। देखो सिंपल सी बात है, प्रपोजल ऑफ द कंपनी टू बोरो 600 करोड़, ये 600 एक्स्ट्रा 600 है कि टोटल मिला के 600 है, एक बार ये देख लेते हैं। MD ऑफ द कंपनी अप्रोच द रॉयल बैंक फॉर सिक्योर लोन ऑफ रुपीज 600 करोड़ टू फाइनेंस द न्यू प्रोजेक्ट। ओके, ये 600 करोड़ रुपये गया है टू फाइनेंस न्यू प्रोजेक्ट, इधर क्या बोल रहे हैं, प्रपोजल ऑफ अ कंपनी टू बोरो 600 करोड़ एक्सीड पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी टू द ट्यून ऑफ 200 करोड़। ओके, टू द ट्यून ऑफ 200 करोड़ कैसे, 600 करोड़ में से 400 करोड़ माइनस करें। वन सेकेंड, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द एग्जिस्टिंग लोन, इन्होंने एग्जिस्टिंग लोन को टेक इनटू अकाउंट नहीं करा, ये तो कुछ तो भी इन्होंने बोल दिया है। दस रॉयल बैंक शुड एडवाइस एक्स द मैनेजिंग डायरेक्टर टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी बिफोर कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी फॉर अ लोन ऑफ 600 करोड़। क्या बोला है कि एक्स जो MD ऑफ द कंपनी है, टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, सबसे पहले तो शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए बिफोर कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी फॉर अ लोन ऑफ 600 करोड़। 600 करोड़ के लोन से पहले आप शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लो। अब इन्होंने इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने ये विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट एग्जिस्टिंग लोन ये क्यों किया, एक बार ये देखने का, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द एग्जिस्टिंग लोन, ये इम्पॉर्टेंट है समझना, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट एग्जिस्टिंग लोन। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इस मामले में स्टार मार्क हो जाता है कि ये क्यों किया। ओके, क्वेश्चन तो पूरा ही कट करने लायक ही है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास है नहीं, पर क्वेश्चन में डाउट है कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट एग्जिस्टिंग लोन, जबकि हम एग्जिस्टिंग लोन को भी देखते हैं। चलो, फॉलोइंग इज द डेटा रिलेटिंग टू प्रिंस कंपनी लिमिटेड, ऑथराइज कैपिटल इक्विटी शेयर, ठीक है देख रखा, पेड अप जनरल रिजर्व 20, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल में हम फ्री रिजर्व लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आता है कि नहीं आता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लोन लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बाय रिजोल्यूशन पास एट इट्स मीटिंग डिसाइड टू बोरो एडिशनल सम ऑफ 90 करोड़ फ्रॉम द कंपनी बैंकर्स, कंपनी बैंकर से ले रहे हैं। ठीक है, यू बींग द कंपनी फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है, एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द प्रोसीजर टू बी फॉलो। अब जो है बोरो करना है एडिशनल सम 90 करोड़ का। अब देखो, अगर देखा जाए तो पेड अप कैपिटल 40 करोड़ है, जनरल रिजर्व 20 करोड़ है, डिवेंचर रिजर्वेशन रिजर्व भी अगर हम ले लेते हैं तो, पर ये फ्री रिजर्व की कैपेसिटी में नहीं आता होगा शायद तक। तो अगर हम देखें तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर देखा जाए तो 60 करोड़ है। ठीक है, 60 करोड़ में से 10 करोड़ तो लॉन्ग टर्म लोन है, तो कायदे से देखा जाए 50 करोड़ आप ले सकते हो, बचे हुए 40 करोड़ के लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाएगा। एक बार देख लेते हैं, तो यही लिखा हुआ है कि अमाउंट अप टू विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन फर्दर बोरो विदाउट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग, 50 करोड़ तक आप बोरो कर सकते हो। ठीक है, अब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व नॉट टू बी कंसिडर सिंस इट इज केप्ट अपार्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन, तो वो तो लेंगे ही नहीं फ्री रिजर्व में। ठीक है, इन द प्रेजेंट केस डायरेक्टर ऑफ रिजोल्यूशन, डायरेक्टर बाय रिजोल्यूशन पास एट इट्स मीटिंग डिसाइड टू बोरो एडिशनल सम ऑफ 90 करोड़। कंक्लूजन, बोरिंग ऑफ 90 करोड़ विल बी बियॉन्ड द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दस मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू कन्वीन अ जनरल मीटिंग स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाए। ठीक है, क्वेश्चन एक और पूछा गया है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ MOA ऑफ इन्फो कंपनी लिमिटेड कॉन्फर्ड अपॉन द कंपनी
क्या लिखा है, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द MOA ऑफ इन्फो कंपनी लिमिटेड कॉन्फर्ड अपॉन द कंपनी पावर टू सेल इट्स अंडरटेकिंग टू अनदर कंपनी, पावर टू सेल इट्स अंडरटेकिंग टू अनदर कंपनी. तो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ MOA ऑफ इन्फो कंपनी लिमिटेड कन्फर्ड अपॉन, MOA के ऑब्जेक्ट क्लॉज ने ये कन्फर्ड करा है कि पावर टू सेल अंडरटेकिंग टू अनदर कंपनी विद आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट. कंपनी आर्टिकल, कंपनी के आर्टिकल ने भी कन्फर्ड अपॉन द डायरेक्टर्स वेयर बाय पावर वॉज कन्फर्ड अपॉन टू सेल और अदरवाइज डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एट एन EGM ऑफ द कंपनी मेंबर पास ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. EGM में मेंबर ने ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया फॉर द सेल ऑफ इट्स असेट ऑन सर्टेन टर्म एंड ऑथोराइज द डायरेक्टर टू कैरी आउट द सेल. पर ये तो देखो सिंपल सी बात है, इधर तो बोल दिया ऑथोराइज रिजोल्यूशन से, तो मेंबर पास एंड ऑथोराइज रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर द सेल ऑफ इट्स असेट ऑन द सर्टेन टर्म्स एंड ऑथोराइज द डायरेक्टर टू कैरी आउट द सेल. उन्होंने डायरेक्टर को ऑथोराइज कर दिया कि तुम सेल कर दो, तो ये तो गलत हो गया ना, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए. डायरेक्टर रिफ्यूज टू कंप्लाई विद द विशेस ऑफ द मेंबर वेयर अपॉन इट वॉज कंटेंडेड ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर. डायरेक्टर रिफ्यूज टू कंप्लाई विद द विशेस ऑफ द मेंबर वेयर अपॉन इट वॉज कंटेंडेड ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर डैट दे वर द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर बींग देयर एजेंट वर बाउंड टू गिव इफेक्ट टू देयर मेंबर्स डिसीजन. क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्टर रिफ्यूज टू कंप्लाई विद द विशेस ऑफ मेंबर वेयर अपॉन इट वॉज कंटेंडेड ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर डैट इट वॉज कंटेंडेड ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर डैट दे वर द प्रिंसिपल. क्या बोला है कि दे वर द प्रिंसिपल, कि मेंबर प्रिंसिपल से डायरेक्टर एजेंट से, तो डायरेक्टर एजेंट से एंड दे वर बाउंड टू गिव इफेक्ट टू देयर मेंबर डिसीजन. बोल दिया कि तुमने रिफ्यूज़ कैसे कर सकते हो, तुमको तो हमारे डिसीजंस को फॉलो करना है, ठीक है, ऐसा बोल दिया डायरेक्टर्स को ये बोलते हुए कि तुम हमारे एजेंट हो, तुमको हमारे डिसीजंस को फॉलो करना है, पर डायरेक्टर रिफ्यूज़ कर रहा है. एग्जामिनिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विद द कंटेंशन ऑफ मेंबर अगेंस्ट द नॉन कंप्लायंस ऑफ डिसीजन बाय द डायरेक्टर इज टेनेबल. कंटेंशन टेनेबल नहीं है, कायदे से देखा जाए तो कंटेंशन टेनेबल नहीं है, इज इनकरेक्ट, क्योंकि इट इज़ नॉट विद इन द अथॉरिटी टू अप्रूव अ प्रपोजल इंडिपेंडेंटली ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि कंटेंशन टेनेबल नहीं है. अभी हम देखेंगे वेदर इट इज़ पॉसिबल फॉर द मेंबर यूसिप द पावर विच बाय द आर्टिकल आर वेस्टेड इन द डायरेक्टर बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. वेदर इट इज़ पॉसिबल फॉर द मेंबर यूसिप द पावर विच बाय द आर्टिकल्स आर वेस्टेड इन द डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग. बोल रहे हैं कि क्या मेंबर पावर ले सकता है क्या, वो पावर जो आर्टिकल्स के द्वारा डायरेक्टर को दी गई है बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन, कि इन्हें जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर से पावर ले ली, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, तो ऐसा भी नहीं कर सकते. इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर डायरेक्टर डू नॉट एक्ट एज एजेंट ऑफ देयर फॉर द मेंबर. ओके, डायरेक्टर एजेंट नहीं है मेंबर के, ठीक है, देयर फोर कैन नॉट डायरेक्टर नॉट एजेंट ऑफ द मेंबर, द मेंबर देयर फोर कैन नॉट बाय रिजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी और इवन यूनैनिमसली सुपरसीड द पावर ऑफ डायरेक्टर. अब हम समझते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है. क्वेश्चन में वापस हम एक बार अगर हम देखें, देखो सिर्फ दो चीज़ें पूछी गई थी कि वेदर द कंटेंशन ऑफ मेंबर रिगार्डिंग द नॉन कंप्लायंस ऑफ मेंबर डिसीजन बाय द डायरेक्टर क्या वो टेनेबल है, जो कंटेंशन ऑफ मेंबर है कि मेंबर ने मेंबर के जो डिसीजन है वो डायरेक्टर ने कंप्लाई नहीं करा है, और जो मेंबर फिर कंटेंशन दे रहा है, कंटेंशन क्या दे रहा है कि जब डायरेक्टर ने रिफ्यूज़ कराया टू कंप्लाई विद द विशेस ऑफ द मेंबर विच अपॉन इट वॉज कंटेंडेड ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर डेट दे वर द प्रिंसिपल, की मेंबर प्रिंसिपल है, डायरेक्टर बिंग देयर एजेंट है, वो बाउंड है, तो क्या ऐसा बोलना सही है? तो समझो ये बोलना तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि डायरेक्टर जो है एजेंट है कंपनी का, जो कंपनी सारे एक्ट कर सकती है, डायरेक्टर सारे एक्ट बोर्ड भी कर सकता है, ठीक है, तो एजेंट है कंपनी का, ठीक है, तो डायरेक्टर एजेंट है कंपनी का, वो कोई मेंबर का एजेंट नहीं है, ठीक है. फिर रही बात दूसरी, मेंबर ने OR पास किया है, ठीक है, अब मेंबर ने OR पास किया है तो वैसे भी जो है नहीं हो सकता, मेंबर ने अगर OR पास किया है तो डायरेक्टर वैसे भी एक्ट नहीं कर सकता. और दूसरा क्वेश्चन तो ये है कि वेदर इट इज़ पॉसिबल फॉर द मेंबर टू यूसर्प द पावर विच बाय द आर्टिकल आर वेस्टेड इन द डायरेक्टर, जो डायरेक्टर को पावर दी गई है क्या वो ले सकता है खुद बाय पासिंग जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके, क्या वो खुद पावर एक्सरसाइज कर सकता है क्या, तो ये भी गलत है. शेयर होल्डर कैन नॉट ऑन देयर ओन मेक आउट प्रपोजल ऑफ सेल एंड पास OR टू इम्प्लीमेंट इट थ्रू द डायरेक्टर, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते, शेयर होल्डर कैन नॉट ऑन देयर ओन मेक आउट अ प्रपोजल ऑफ सेल,
ठीक है, तो शेयर होल्डर जो है वो ऐसा नहीं कर सकते कि उन्होंने खुद ने ही कर दिया, कि उन्होंने खुद ने ही वो एक्टिविटी कर दी और फिर बाद में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर दिया टू इम्प्लीमेंट इट थ्रू द डायरेक्टर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये जो हमने पूरा क्वेश्चन देखा, ये पूरा जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा जो है जनरल पावर के रिस्पेक्ट में था ये क्वेश्चन। तो जनरल पावर के जो पहले चार पॉइंट हैं जो समझना हमको बहुत ज़रूरी थे कि वेदर वट एवर कंपनी ऑथराइज, जो भी कंपनी ऑथराइज है, बोर्ड इज ऑथराइज फॉर ऑल सच एक्ट, हैंस बोर्ड जो है वो कस्टोडियन है, वो कंपनी का एजेंट है पर वो मेंबर का एजेंट नहीं है। मेंबर रिजोल्यूशन से सुपरसीड नहीं कर सकती बोर्ड के पावर्स को, वो खुद कुछ काम नहीं कर सकती, ठीक है, बाय सुपरसीड। तो वो सब जो है सुपरसीड नहीं कर सकती मेंबर, ठीक है, और शेयर होल्डर कांट सुपरसीड द बोर्ड पावर, ठीक है, और इनफैक्ट ये इंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते बोर्ड को कि कैसे पावर एक्सरसाइज करनी है, एक्सेप्ट जब बोर्ड जो पावर कर जो एक्सरसाइज कर रहा है पावर उसका इंटेंशन मॉडिफाइड है या बोर्ड इनकम्पिटेंट है, वो एक्ट नहीं कर पा रहा है, और चलो एक्ट कर रहा है तो मॉडिफाइड है, या तो इनकम्पिटेंट है इसलिए एक्ट नहीं कर पा रहा है, या तो डेडलॉक है तो डेडलॉक है नहीं कर पा रहा है, इनकम्पिटेंट है इसलिए नहीं कर पा रहा है तो डेडलॉक है इसलिए नहीं कर पा रहा है, इनकम्पिटेंट है इसलिए नहीं कर पा रहा है, या तो एक्ट ही मॉडिफाइड है। तो ठीक है, हमने देख लिया है कि डेडलॉक इसलिए नहीं कर पाया, इनकम्पिटेंट है इसलिए नहीं कर पाया, या तो मॉडिफाइड इंटेंशन है इसलिए नहीं कर पाया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने ये पर्टिकुलर चीज़ों को समझा। अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, अब द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैसर्स फॉर्चून लिमिटेड, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है इन रिस्पेक्ट ऑफ मैसर्स फॉर्चून लिमिटेड अंडर थ्री डिफरेंट केस सिनेरियो ऑन द बोरिंग पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैसर्स फॉर्चून लिमिटेड अंडर थ्री डिफरेंट केस सिनेरियो, जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है इज प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैसर्स फॉर्चून। तो जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइडेड है इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्चून लिमिटेड अंडर थ्री डिफरेंट केस सिनेरियो, तीन डिफरेंट केस सिनेरियो में इन्फॉर्मेशन दे के रखिए, ऑन द बोरिंग पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मिस्टर मुरली द CFO सीक योर एडवाइस विथ एक्सप्लेनेशन एज टू नेचर ऑफ द रिजोल्यूशन विच नीड टू बी पास। तो जो मुरली है उसको आपसे एडवाइस चाहिए कि नेचर ऑफ रिजोल्यूशन विच नीड टू बी पास अंडर ईच ऑफ द केस, ये तीन केस दे दिए हमने, ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ द कंपनीज एक्ट, डिटेल वर्किंग शुड बी फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ द आंसर, ठीक है, ओके। पूरा उन्होंने सीन देख रख दिया, ये कब का है, मई 19 न्यू सिलेबस का, ओके। अब नेचर ऑफ रिजोल्यूशन देखो, सिंपल से आता है, हम खुद ही करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सबसे पहले हम केस देखते हैं, पेड अप कैपिटल बोला है तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ जाएगा, तो इक्विटी ले लेंगे, प्रेफरेंस ले लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम ले लेंगे, फ्री रिजर्व ले लेंगे, टोटल 270 है, ठीक है, ये हमने लिया 270। अब वर्किंग कैपिटल लोन रीपेबल ऑन डिमांड एग्जिस्टिंग फ्रॉम सिग्मा कैपिटल लिमिटेड, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल लोन रीपेबल ऑन डिमांड है, तो इस ये तो टेम्प्रेरी लोन है तो ये नहीं आएगा, तो ये चीज़ तो नहीं आने वाली, ठीक है। कैश क्रेडिट लिमिट फ्रॉम अ शेड्यूल बैंक रीपेबल ऑन डिमांड, जो वर्किंग लोन है तो वैसे ही वर्किंग कैपिटल लोन है, वैसे ही कैश क्रेडिट, ठीक है, वैसे ही जो लोन है कैश क्रेडिट लिमिट फ्रॉम अ शेड्यूल बैंक रीपेबल ऑन डिमांड, अब ये भी रीपेबल ऑन डिमांड है, ठीक है, तो ये भी रिपेबल ऑन डिमांड है, तो ये भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, एक बार खुद से करते फिर देखते हैं। अब सिक्स मंथ लोन फॉर परचेज, ओके, सिक्स मंथ लोन फॉर परचेज ऑफ प्लांटेड मशीनरी, लो प्लांटेड मशीनरी आ गया, तो फिर तो ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा 24 मंथ लोन फॉर द परचेज ऑफ प्लांटेड मशीनरी, ठीक है, वो शेड्यूल बैंक से लेंगे तो ये भी आएगा, ठीक है, क्योंकि लोन में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों कवर है। पर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो इधर वर्किंग कैपिटल लोन है, ये वर्किंग कैपिटल लोन किससे लिया है, फ्रॉम सिग्मा, तो ये तो ले लेंगे ना, इसको भी लेना पड़ेगा, तो ये कंसीडर होगा क्योंकि सिग्मा से लिया गया है, तो 270 में ये 50 आ गया, ठीक है, फिर 24 मंथ ये भी लेंगे, ये 30-80 और ये 90, ठीक है, तब क्या बोला है, चलो देखते हैं, इधर भी 90 लिखा है क्या, हाँ चलो ये भी 90 आया। अब कंक्लूजन ये है तो इसमें ओआर लग जाएगा, ठीक है, तो वो सफिशिएंट है, तो ओआर क्या, बोर्ड रिजोल्यूशन से ही काम चल जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड लिमिट अगर हम देखें तो इसमें भी 50 है,
50 जो हमारा सिग्मा लिमिटेड से लिया है, क्योंकि ये कंपनी बैंकर से नहीं लिया गया है लोन, क्योंकि हमने पढ़ा है टेम्प्रेरी लोन अगर आप कंपनी बैंकर्स से ले तो जाके जो है वो इधर कवर नहीं होता। अब इधर सिग्मा कैपिटल से लिया तो इधर तो कवर होगा, तो 50-50 तो सेकेंड में भी 50 लाख 50 लाख, ठीक है, सेकेंड और थर्ड में, फिर ये 120 नहीं लेंगे, फिर 40 इधर और 20, ठीक है, तो ये हो गया 110 इधर, 130 और 150 मतलब 280, और 280 प्लस 50 जो है वो 330 हो जाता है। तो समझो इधर 330 हो रहा है, ये 330 हो गया, वो इधर 110 हो गया, तो 330 और 110 हो गया, ये जो 110 है ये पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, टोटल हमारा कितना हुआ, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 270, 270 से कम है तो बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा, और जो है 270 से ये तो ज़्यादा हो जाता है तीसरा वाला केस, तो इधर स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाएगा। तो ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन करने के बाद, छोटे मोटे सारे क्वेश्चन करने के बाद, अब हम जो है करेंगे हमारे 181 के क्वेश्चंस। तो हमने 180 के क्वेश्चन सारे पढ़ लिए हैं, अब हम 181 के रिस्पेक्ट में सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, द थ्री ईयर बैलेंस शीट कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो, पेड अप कैपिटल, जनरल रिजर्व, PNL, ये जनरल रिजर्व बता दिया, ये क्रेडिट बैलेंस इन PNL, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योर्ड लोन सब बता दिया। अब समझो, ऑन गोइंग थ्रू अदर रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी द फॉलोइंग इज ऑल्सो डिटरमाइंड। क्या है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एज कैलकुलेटेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 12.5 लाख 17 का, 19 लाख 18 का, 34.5 लाख, ठीक है, ये देख रखा है। तो एज पर द प्रोविजन मतलब 198 के हिसाब से, इन द इंश्यूइंग बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 5 नवंबर, अमंग अदर आइटम्स ऑफ एजेंडा फॉलोइंग आइटम्स आर ऑल्सो अपियरिंग। क्या क्या, टू डिसाइड अबाउट बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, ठीक है, टू डिसाइड अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी मेड टू चैरिटेबल फंड। अब जो बोरोइंग ही करना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो समझो बोरोइंग करना है तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, वो तो लास्ट ईयर का देखेंगे, ठीक है, 75, 50 और 10, 60, 135 लाख, ठीक है, ये 135 लाख और ये दो 137 लाख, 137 लाख, ठीक है, 137 लाख हम देखेंगे लास्ट ईयर का, और उसमें से 30 लाख की बोरोइंग तो है, तो 107 लाख, ठीक है, तो 107 लाख हम जो है अमाउंट अप टू विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन फर्दर बोरो। तो अमाउंट जो है इतना आप फर्दर बोरो कर सकते हैं 107 लाख विदाउट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, सिंपल सी बात है, ये फॉलोइंग आइटम आर ऑल्सो अपियरिंग, ठीक है, टू डिसाइड अबाउट बोरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म बेसिस पे, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर टू फाइंड आउट एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट द अमाउंट अप टू विच द बोर्ड कैन बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अमाउंट अप टू विच बोर्ड कैन बोरो फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अमाउंट अप टू विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द चैरिटेबल फंड विदाउट सीकिंग अप्रूवल इन जनरल मीटिंग। मतलब दोनों में ही जनरल मीटिंग से अप्रूवल नहीं चाहिए, तो मतलब सिंपल सी बात है कि आपने उसमें अगर लिमिट में कर दिया है तो बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। और अगर रही बात अगर हम देखें तो कॉन्ट्रीब्यूशन की, कि आप कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं चैरिटेबल फंड में, तो पिछले 3 जो साल है उसका नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालो, ठीक है, उसका 5% से उसका 5% निकालो, तो 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट कितना हुआ, इसका जो एवरेज आता है वो 22 लाख आता है, और 22 लाख का 5% 110,000, आप 110,000 तक कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। देख लेते हैं, 5% एवरेज नेट प्रॉफिट 110,000 तक कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो इन अ जनरल मीटिंग, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो विदाउट दी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, विदाउट ऑप्टेनिंग अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। ओके, तब अगला क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ वेरी वेल लिमिटेड आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एवरी ईयर टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अ सम ऑफ 60,000, ठीक है, वो तो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हर साल, इन अ पर्टिकुलर ईयर कंपनी सफर्ड लॉस। अब एक साल में कंपनी ने लॉस सफर किया एंड द डायरेक्टर आर कंटेम्पलेटिंग टू कॉन्ट्रीब्यूट द सेट अमाउंट इन स्पाइट ऑफ लॉस। अब डायरेक्टर बोल रहे हैं कि लॉस हुआ तो क्या वो आप कॉन्ट्रीब्यूट तो करो, स्टेट वेदर डायरेक्टर कैन डू सो। तो सी एक करंट ईयर में लॉस है, डेट डजेंट मीन कि हम कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हम तो वैसे भी पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो हो सकता है करंट ईयर में लॉस हो पर पिछले 2 साल में प्रॉफिट है, तो हमने एवरेज नेट प्रॉफिट निकाल लिया, उसका 5% ही तो करना है अपने को। तो कंक्लूजन देखें तो बोर्ड में कॉन्ट्रीब्यूट अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर एनी कॉन्ट्रीब्यूशन अबव दिस
प्रायर परमिशन ऑफ कंपनी जनरल मीटिंग चाहिए। तो करंट ईयर में जो नेट लॉस है तो वो इमटेरियल है, उस रिस्पेक्ट में कि अगर पिछले तीन साल में अगर आपका एवरेज नेट प्रॉफिट आ रहा है तो उसका 5% आप कर दो कॉन्ट्रीब्यूट। अब आती बात अगले क्वेश्चन की, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एलएम लिमिटेड, आखिरी के 10 क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है, तो अच्छे खासा एम्पल ऑफ क्वेश्चन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एलएम लिमिटेड प्रपोज टू डोनेट 3 लाख टू द स्कूल एस्टेब्लिश एक्सक्लूसिवली, अरे अब एक्सक्लूसिवली बना हुआ है, एंड ऑल्सो डोनेट 50,000 टू पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब ये तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है डोनेट का, ये तो चैरिटेबल फंड में नहीं आएगा क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉई है। अब डोनेट कर रहे हैं 50,000 टू द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप डोनेट कर रहे हो तो ठीक है उधर डोनेट कर दो, पर कैश और बियर चेक के अलावा होना चाहिए दोनों। हमने देखा है कि इधर एवरेज नेट प्रॉफिट का मतलब ही नहीं है। देखा जाए तो डोनेशन अगर हम स्कूल में कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉई, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर जो भी है तो वो तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड में नहीं आएगा, तो 181 का प्रोविजन अट्रैक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो अगर आप प्रपोज डोनेशन जितना भी कर रहे हो तो उस टाइप के डोनेशन पे 181 अट्रैक्टिव हो रहा है, मतलब आप कितना भी डोनेट करो उसमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये चैरिटेबल फंड के कॉन्ट्रीब्यूशन में तो आता ही नहीं है। अब डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, तो अब पॉलिटिकल पार्टी में भी हमने डोनेट करा, अब समझो पॉलिटिकल पार्टी में डोनेट कर सकते हो, पर अगर कंपनी का जो एग्जिस्टेंस अगर 3 साल से कम का है तो वो डोनेट नहीं कर सकता। पर आप देख रहे हैं, देखा इसमें कि ड्यूरिंग द इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 40 लाख, मतलब कि 3 साल से एग्जिस्ट कर रही है, अब 3 साल से एग्जिस्ट कर रही है मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन दे सकते हैं। तो बोर्ड इज इम्पॉर्ट टू मेक द प्रपोज डोनेशन सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये वाला क्वेश्चन भी ईजी है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि मेसर्स जय इंडस्ट्री लिमिटेड अर्न अ नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर, ओके लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट है, एवरेज नेट प्रॉफिट हो गया हमारा 40 करोड़। अब देखो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द चैरिटेबल फंड 1.25 करोड़, और अगेन जनवरी 19 में पास रिजोल्यूशन और कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया 1 करोड़, तो भाई 1.25 प्लस 1 2.25, वो 40 का 5% होता है 2, तो ऐसे केस में भैया इसमें तो वो अपने को चाहिए रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन इन द सेंस चाहिए इधर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, तो वैलिडिटी बताओ। अगला जो है अमाउंट, तो उसके लिए तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नहीं, उसके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए क्योंकि अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, तो बोर्ड में कॉन्ट्रीब्यूट 5% ऑफ 40 करोड़, 2 करोड़ विदाउट ऑब्टेनिंग द परमिशन। अब इधर कॉन्ट्रीब्यूशन अबव 2 करोड़ है, ठीक है, हाउएवर रिजोल्यूशन पास इन जनवरी इज नॉट प्रॉपर, तो जो रिजोल्यूशन पास हो रहा है जनवरी में वो प्रॉपर नहीं है क्योंकि एग्रीगेट डोनेशन 2.25 की तरफ जा रहा है, वो एक्सिट कर रहा है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, ये गलत हो गया कि वो पर फाइनेंशियल ईयर है, इंपॉर्टेंट ये है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर का डोनेशन है, तो ये लिमिट पर डोनेशन नहीं होते हुए पर फाइनेंशियल ईयर लिमिट है, और ये जो है 17 नवंबर में पूछ लिया था 6 नंबर का। अब आई बात पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में कि एक्स वाई जेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2016, ऑन 1 नवंबर 2018 पॉलिटिकल पार्टी अप्रोच करी कंपनी को, ठीक है, फॉर अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 लाख। अब कर सकते हैं क्या, इस कंपनी इज लीगली ऑथराइज, तो कंपनी लीगली ऑथराइज नहीं है, कंपनी इज नॉट अलाउड क्योंकि 3 साल ही नहीं हुए, तो कंपनी लीगली ऑथराइज नहीं है क्योंकि 3 साल नहीं हुए हैं, ठीक है। कंपनी इज नॉट अलाउड टू मेक अ पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन एज इट वॉज नॉट इन एक्सिस्टेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, ठीक है। अब विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ द कंपनी वॉज एग्जिस्टेंस ऑन 1 अक्टूबर 2015, तो ऐसे केस में जो है कंपनी इज अलाउड टू मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन क्योंकि 15 अक्टूबर को इस्टेब्लिश हुए हैं वो, ठीक है। जो दूसरी बात है, कैन द कंपनी बी पेनालाइज फॉर डेफियंस इन रूल्स ऑफ दिस रिकॉर्ड, कैन द कंपनी बी पेनालाइज फॉर डिफाइंस ऑफ रूल, अच्छा अगर कॉन्ट्रावेंशन किया है तो क्या कुछ पेनल्टी है क्या, तो कॉन्ट्रावेंशन के रिस्पेक्ट में पेनल्टी कितनी है देखो, एज पर 182 सबसेक्शन 4 इफ अ कंपनी मेक कॉन्ट्रीब्यूशन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन 5 टाइम्स ऑफ अमाउंट, जो भी आप कॉन्ट्रीब्यूट करो 5 टाइम्स है, और ऑफिसर को 5 टाइम्स का भी फाइन है, ऑफिसर को भी, और इम्प्रिजनमेंट है बीच में एक्सटेंड टू 6 मंथ। तो इस तरीके से जो है ये फाइन दे के रखा है, और जो है इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको समझने का है कि जो 3 ईयर है
वो डेट टू डेट चलता है कि इस तरीके से जैसे बता के रखा है वैसे चलता है? अभी तो हम डेट टू डेट मान के हुए चल रहे हैं, कुछ एडिशनल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी तो वो बता दी जाएगी। अभी 3 साल जो है वो आप डेट टू डेट लेकर चलना, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है? और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुए अगर 3 साल, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुए अगर 3 साल नहीं हुए हैं, कंपनी का एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो ऐसे केस में जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। ये हमने देखा, ये हमने पढ़ा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, सो अगला क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ LM लिमिटेड प्रपोज टू डोनेट 3 लाख टू स्कूल एस्टेब्लिश एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉई। तो सिंपल सी बात है, ये चैरिटेबल फंड में नहीं आते हैं, तो करें बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके करें, कोई इसमें 181 तो एप्लीकेबल हो नहीं रहे। एंड ऑल्सो डोनेट 50,000 टू पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31/19 द एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द थ्री इमीजिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 40 लाख है, ठीक है? 50,000 पॉलिटिकल पार्टी में कॉन्ट्रीब्यूट करना है तो कर लीजिए, अगर आपने जो है कंप्लाई करे है 182 के प्रोविजन तो, ठीक है? डायरेक्ट नवंबर 9 का क्वेश्चन है, ठीक है? सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन है। एक्स वॉज रजिस्टर्ड इन द ईयर 2018 अंडर द कंपनी एक्ट 2013, द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी डिसाइड टू मेक डोनेशन इन द ईयर 1920। तो एक्स वॉज रजिस्टर्ड इन द ईयर 2018 अंडर द कंपनी एक्ट, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइड टू मेक डोनेशन इन द ईयर 1920, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइड टू मेक अ डोनेशन इन 1920। तो ठीक है, डोनेशन 1920 में डिसाइड करने का सोचा, एडवाइज द मैनेजमेंट अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंड द एक्सटेंट अप टू विच सच डोनेशन कैन बी मेड। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन बता दो, तो ये डोनेशन कर ही नहीं सकता, ठीक है? तो कंपनी वॉज इन एक्सिस्टेंस फॉर अ पीरियड लेस देन 3 ईयर तो डोनेशन इज नॉट अलाउड, सबसे पहले डोनेशन नहीं कर सकते। दूसरा, तो ये रिस्ट्रिक्शन की इन्होंने बात कर दी अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंड द एक्सटेंट अप टू विच डोनेशन कैन बी मेड, कितना डोनेशन कर सकते हो अनलिमिटेड। विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ कंपनी रजिस्टर्ड इन द ईयर 2015, तो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है अगर इन द ईयर 2015 तो ऐसे कैसे फिर डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है? बस डोनेशन कर सकते हैं पर बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो वही इन अदर केसेस जो है डोनेशन कर सकते हैं, रिजोल्यूशन जो है पास होगा बोर्ड मीटिंग में। अभी जो डोनेशन है, ओके, तो ये अपने बात करी कि बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, इनफैक्ट कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा PNL अकाउंट में द टोटल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई इट। तो ये जो अपने बात करी थी कि जो है डिस्क्लोज करना पड़ता है PNL में, ठीक है? तो PNL में डिस्क्लोज करना पड़ता है जो भी आपने कॉन्ट्रीब्यूट करा है अंडर दिस सेक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कॉन्ट्रीब्यूशन शेल नॉट बी मेड, तो वही कॉन्ट्रीब्यूशन शेल नॉट बी मेड एक्सेप्ट बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ECS, इसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। मीन्स कैश में बियरर चेक से तो कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है? ज़्यादा इतना कुछ खास क्वेश्चन था नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी छोटा सा ही है कि विन लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 15 ईयर्स अगो ड्यूरिंग द लास्ट 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर इट अर्न प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, 8 लाख, 11 लाख, ठीक है? इन ऑर्डर टू ऑगमेंट इट्स बिजनेस प्रॉस्पेक्ट इट वॉन्ट टू मेक डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करना है, तो अगर वो कर सकती है तो कितना एक्सटेंड तक कर सकती है, इस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे गए। दूसरा अगर हम देखें तो सेवक साइकिल लिमिटेड, देखो पहले वाला क्वेश्चन में देखे तो इनकॉर्पोरेटेड 15 साल पहले तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो कर सकते हैं, और वो तो अनलिमिटेड ही कर सकते हैं ना, अब इसमें नेट प्रॉफिट देने की जरूरत ही नहीं थी, पर ठीक है पहले नेट प्रॉफिट के बेसिस पर प्रोविजन था, अब अमेंडमेंट हो गया है। जैसे सेवक साइकिल लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब वही 3 साल की कंडीशन पूरी हो गई, प्रॉफिट पूरा बता के रखा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज टू डोनेट सम ऑफ 50,000 टू द पॉलिटिकल पार्टी, वेदर द प्रपोज डोनेशन इज विद इन द पावर, ठीक है? तो दोनों डोनेशन विद इन द पावर है, बस ये है कि बस ये सब बता के रखा है कि गवर्नमेंट कंपनी और कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर है, तो सिंपल सी बात है वो नहीं कर सकती, ठीक है? अदर केसेस में देखा जाए तो कर सकते हैं, बस रिजोल्यूशन, ठीक है, बोर्ड मीटिंग में पास करना पड़ेगा। एवरी कंपनी को जो भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन करो PNL में डिस्क्लोज करना है, और कॉन्ट्रीब्यूशन जो है बकायदा अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट से होगा। तो कंपनी वॉज इन एग्जिस्टेंस फॉर द पीरियड अबाउ मोर देन 3 फाइनेंशियल ईयर, टू इधर जो एग्जिस्टेंस है वो मोर देन 3 फाइनेंशियल ईयर है, तो सिंपल सी बात है सेटिस्फाई कर ली कंडीशन तो कॉन्ट्रीब्यूट कर लोगे, ठीक है? नवंबर 12 में 8 मार्क का पूछ लिया, 1 सेकेंड, मई 12 में 8 मार्क का पूछ लिया, और मई 15 में 4 मार्क का। आखिरी के 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं।
कि सृजन लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 2012 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सृजन प्रपोज टू डोनेट 2 लाख टू द स्कूल एस्टैब्लिश एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट है, तो ये तो चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। बिसाइड ऑल्सो प्रपोज टू डोनेट 1 लाख टू द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है कर दो। द नेट प्रॉफिट वॉज 35 लाख। एवेल्युएट द गिवन सिचुएशन इन द लाइट ऑफ द स्टेटेड फैक्ट। अब एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज है और बाकी 1 लाख भी डोनेट करा है पॉलिटिकल पार्टी को। वेदर द प्रपोज पॉलिटिकल डोनेशन मेड बाय सृजन आर विद इन द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो ये तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये तो प्रपोज पॉलिटिकल डोनेशन इज विद इन द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ऐसा कुछ खास तो था नहीं। वेदर द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सृजन लिमिटेड टू द स्कूल एस्टैब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय इज अ चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, तो नहीं, ये चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय है, नहीं है चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, मनी वन अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो इधर बोल रहा है कि कॉन्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी सेड टू बी चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन इफ इट इज मेड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अवेलिंग एनी बेनिफिट फॉर द कंपनी, अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करा है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अवेलिंग एनी बेनिफिट फॉर द कंपनी, अगर कंपनी ने कॉन्ट्रीब्यूट करा है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, तो उनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ऑफ अवेलिंग एनी बेनिफिट फॉर द कंपनी और फॉर इट्स एम्प्लॉई, एंड सच कॉन्ट्रीब्यूशन डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी, तो बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, ना तो कंपनी को बेनिफिट हो रहा है ना तो एम्प्लॉई को बेनिफिट हो रहा है, उस मोटो से वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तब इसको बोलते हैं बोनाफाइड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एक तरीके से बोनाफाइड कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब ही समझा गया ये, तो हमने इधर बोनाफाइड कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब देखा कि ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन जो कंपनी कर रही है इधर वो चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन तब माना जाएगा इफ इट नॉट इफ इट इज मेड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अवेलिंग एनी बेनिफिट। अब ये जो कर रहे हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अवेलिंग एनी बेनिफिट फॉर द कंपनी, तो ये कर रहे हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अवेलिंग बेनिफिट, कोई बेनिफिट, ठीक है, कोई बेनिफिट का ऑब्जेक्टिव नहीं है फॉर द कंपनी एंड एम्प्लॉय, ना तो कंपनी को ऑब्जेक्टिव है बेनिफिट अवेल करने का, ना तो एम्प्लॉय को ऑब्जेक्टिव है, ना तो कंपनी को ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉय से बेनिफिट क्या एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलने का। विदाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ अवेलिंग एनी बेनिफिट फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए या तो एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, और सच कॉन्ट्रीब्यूशन का कोई रिलेशन नहीं है बिजनेस से, ठीक, ये कोई चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब देखो, देखे तो स्टेट विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 विद द फॉलोइंग कंपनी कैन मेक डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी, क्या फॉलोइंग कंपनी डोनेशन कर सकती है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये डोनेट कर सकती क्या नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी जो 2014 में रजिस्टर्ड है, तो अगर ये डोनेशन किस साल में माना हुआ दिखा रहे हैं, इधर कुछ तो एजम्पशन लेंगे ना कि डोनेशन इस साल में माना हुआ दिखा रहे हैं, ओके चलो ठीक है, पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड 2014, ठीक है वो कर सकती है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2015 डिसाइडेड टू कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है ये भी कर सकती है, जमा वांट्स टू मेक अ पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन 2000 इन कैश, अब कैश में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते आप, तो इधर नहीं कर सकते, मतलब पहले 3 में कर सकते हैं, तो यही है कि अब यही है कि ABC लिमिटेड नॉट अलाउड टू मेक डोनेशन क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनी है, ये EFG लिमिटेड वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, RST कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, रमा लिमिटेड कैन नॉट मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन क्योंकि वो कैश में कॉन्ट्रीब्यूशन है इसलिए नहीं कर सकते। अब आ रहा है हमारा आखिरी क्वेश्चन, वो है 183 नेशनल डिफेंस फंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है यह लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 184 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इसके पहले जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम एक बार लिख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वो ये है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मेसर्स DEF नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सबसे पहले नॉन गवर्नमेंट कंपनी मतलब पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन तो कर सकती, अच्छे से समझना है क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्ट द कंपनी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशनल डिफेंस फंड, ये रिस्ट्रिक्ट करिए कंपनी को टू कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशनल डिफेंस फंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर फॉर सम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, आर्टिकल जो है रिस्ट्रिक्ट करिए, तो सबसे पहले क्या आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, क्या आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आर्टिकल 183 ओवरराइड करता है आर्टिकल को, तो पहली बात तो हमने इधर ही समझ ली। अब देखते चलो, आर्टिकल इज साइलेंट अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चैरिटेबल फंड, देखो इधर इन्होंने जो है NDF के रिस्पेक्ट में तो आर्टिकल कुछ बोल रहा है, चैरिटेबल फंड तो आर्टिकल साइलेंट है, चैरिटेबल फंड और पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है, कंपनी ने अर्न करें नेट प्रॉफिट लास्ट 5 के, तो हम तो पिछले 3 साल के देखेंगे, ठीक है पिछले 3 साल के देखेंगे, जिसका जो है 70-90 जिसका आ रहा है 30 लाख, जिसका एवरेज नेट प्रॉफिट आ रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज टू कॉन्ट्रीब्यूट इन जुलाई 2019 फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 1920,
अब 30% का 5% देखे तो 30 लाख का 5% देखे तो 1.5 लाख। अब 1.5 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन चैरिटेबल फंड में कर सकते हैं, इन्होंने 3 लाख का कर दिया तो ओआर पास कर लेंगे। 7 लाख का नेशनल डिफेंस फंड में किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख का पॉलिटिकल पार्टी में भी कराया तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जो हमने बात समझी थी कि बाकायदा जो है बोर्ड रिजोल्यूशन पास कराने पड़ते हैं इसमें, ठीक है। अभी हम देखते हैं, चलो। कंपनी सीक योर एडवाइस इन द ऑन द फॉलोइंग मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अपर प्रपोजल अपॉइंटमेंट द अप्रोप्रिएट अप्रूविंग अथॉरिटी। अब इधर 7 लाख नेशनल डिफेंस फंड में आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो इधर तो बोर्ड रिजोल्यूशन है, अप्रोप्रिएट अप्रूविंग अथॉरिटीज अगर हम देखें तो इधर तो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर लेगा। देखो अप्रूविंग अथॉरिटी, अब नेशनल डिफेंस फंड में अगर देखें अप्रूविंग अथॉरिटी तो इधर अपन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड रिजोल्यूशन या आरबीसी। साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रख लेते हैं कि पर्सन एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ बोर्ड या कंपनी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एनी पर्सन और अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और ऑफ अ पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ कंपनी और ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अप्रूविंग अथॉरिटी तो वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है 1.5 लाख तक, उसके ऊपर पर जो है वो जनरल मीटिंग में, ये हो गया हमारा अप्रूविंग अथॉरिटी। पॉलिटिकल पार्टी में अप्रूविंग अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये तो हो गया हमारा। दूसरा द क्वांटम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन डेट कैन बी मेड एंड द मोड ऑफ पेमेंट। तो क्वांटम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कर सकते हो, अनलिमिटेड अनलिमिटेड है और उधर 5% है, ठीक है। तो एनी अमाउंट अप टू 1.5 लाख तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अबव 1.5 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो जनरल मीटिंग का रिजोल्यूशन चाहिए और एनी अमाउंट है। और इधर अगर हम देखें द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन का मोड ऑफ पेमेंट जो है इधर अगर हम देखें तो एनी मोड बोल के रखा है। ओके, इधर इम्पॉर्टेंट ये है कि नेशनल डिफेंस फंड में और चैरिटेबल फंड में एनी मोड है, कॉन्ट्रीब्यूशन किसी मोड से कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, यही बात है समझने की। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें सबका रिवीजन हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो 181, 182, 183, 181 तो चैरिटेबल है, 182 पॉलिटिकल है, 183 NDF है। तो चैरिटेबल में तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है, अगर 5% से ज़्यादा भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से भी हो जाएगा, वो किसी मोड से आप कॉन्ट्रीब्यूट करो। 182, 183 में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नहीं लगता, बोर्ड रिजोल्यूशन से काम हो जाता है। 5% क्या, कितना भी आप कॉन्ट्रीब्यूट करो बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर दो बस, कॉन्ट्रीब्यूट करो कितना भी। पॉलिटिकल पार्टी में RBC नहीं चलता पर NDF में RBC चल जाएगा। अब बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास कराना है कैसे भी करवा लो, 183 में RBC चल जाएगा। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना भी आप कॉन्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, अब सॉरी ये किसी भी मोड से कॉन्ट्रीब्यूट करो पर नहीं सॉरी इधर 182 पॉलिटिकल में APC है, 183 में एनी मोड। तो ठीक है, चार तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम इसको कि GM, BM, लिमिट और मोड, इस चार तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो इस तरीके से जो है हमारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे ओवर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 184 के रिस्पेक्ट में है, और 184 के रिस्पेक्ट में जो हमारे प्रोविजंस है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। और आप जो है ये पर्टिकुलर प्रोविजंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, एंड इस तरीके से जो है हमारे अच्छे एम्पल ऑफ क्वेश्चंस इधर हो जाते हैं। हमने 31 से चालू किया था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 53 में से 30 माइनस कर दो आप, तो एक तरीके से 23 क्वेश्चंस करें हमने, ओके। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।